हो। और जैसे दीदी कह रहे थे कि वर्तमान समय में जो डर है उस पर थोड़ा सा हमको सही रीति से समझना है। और मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, डरना मना है पर, लेकिन थोड़ा इंटरैक्टिव अगर मैं करूं तो चलेगा दीदी? हाँ जी, जरूर जरूर, दे विल लाइक इट। ओ वंडरफुल वंडरफुल। तो आप अपने चैट बॉक्स रेडी रखिए, मैं थोड़ा शेयर भी करूंगा और थोड़ा फिर आपके साथ चर्चा भी करूंगा अपने स्क्रीन को। पहला प्रश्न, ठीक है, मैं लेट मी सी एवरीबॉडी, लेट मी मेक इट अ गैलरी व्यू। हाँ, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल। बहुत अच्छा, आप सबके सिर्फ रूहानी वाइब्रेशंस ही नहीं है, चेहरा भी बहुत रूहानी है, ठीक है ना? और चेहरे पर जब मुस्कान आ जाती है तो वो रूहानियत जो है वो और खिल जाती है। देर इज मोर फ्लेवर ऑफ डिविनिटी इन दैट ब्यूटिफुल स्माइल। चलिए, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन, एंड मैं जानता हूं कि भारत के लोग और विशेष जब वो कैलिफोर्निया में है तो सच जरूर बोलेंगे, ठीक है ना? आप ऐसा क्यों कहते हैं? कैलिफोर्निया वाले सच बोलते दीदी मैं नहीं कहता हूँ, भगवान कहता है कि विदेश के जो भाई बहन होते हैं वो सच्चे होते, साफ दिल होता है और सच्चे होते हैं। भले मैं जानता हूं यहाँ पर कभी कभी लुक एट दी आयरनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सच बोलने में भी डर लगता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप हाथ ऊपर उठा के या फिर अपना माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, चेक करना कि क्या मुझे अपने आप से ये प्रश्न पूछें, डर लगता है किसी भी बात का डर? इट कुड बी एनीथिंग, वो कोई एक वस्तु हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, डर लगता है? यस या वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बस अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे आप लोग क्रिसमस में भी दिवाली मनाते हैं, वो समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है ना? दैट्स ओके। तो पटाखों की ही आवाज आ रही है मुझे तो कानों में। ओके, तो डर लगता है हम सबको, ठीक है। प्रश्न नंबर दो, मैं बस पूछूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कांध हिला करके, या इफ यू कैन यूज द चैट बॉक्स इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है? आप में से जिन भाई बहनों को, मैं ऑडियंस को, छिपकली, छिपकली इज अ वॉल लिजार्ड, ठीक है ना, उनसे डर जी लगता हो, ठीक है, वॉल लिजार्ड से डर लगता हो, वो जरा हाथ ऊपर उठाए। नहीं ओ माय लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। कॉकरोच हाँ, ठीक है। से हाँ, बस आई विल रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर इफ यू कैन अनम्यूट एवरीवन। दे आर अनम्यूटेड। ओके, अच्छा, ठीक, सॉरी सिस्टर, नो ठीक है। मिस, लाइक दे आर अनम्यूटेड बट दे हैव टू डू इट बाय देमसेल्फ। लाइक आई कैन नॉट अनम्यूट देम, आई कैन म्यूट देम। हाँ, तो दीदी उनको म्यूट कर दीजिए आप, क्योंकि ना अच्छा म्यूट। बैकग्राउंड, हाँ, हाँ बहुत साउंड आ या रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या यू जो हैव टू अनम्यूट। वंस आई डू म्यूट देम, यू विल बी आल्सो म्यूटेड। ओके नाउ यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके या परफेक्ट। सिस्टर, फाइन फाइन। और मजाक में अगर कहूं तो कभी कभी मैं ऐसे प्रोग्राम करता हूँ ऑनलाइन और म्यूट हो जाता हूँ तो ऐसा अनुभूति होता है कि शादी हो गई है मेरी, ठीक है ना? क्योंकि पूरा पूरा कंट्रोल तो उनके पास ही होता है, वो जब चाहे म्यूट कर दे, जब चाहे अनम्यूट कर दे, और हम पुरुषों को तो भाई ऐसा ही रहना पड़ता है। तो ऑल्दो आई एम नॉट मैरिड, बट यू कैन गेट अ सेंस ऑफ द सेम फीलिंग हाउ मेन वुड फील आफ्टर मैरिज। आई मीन कुछ मतलब दे लॉस्ट एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन डरना मना है, ठीक है ना? भले म्यूट रहो अनम्यूट रहो, लेकिन डरना नहीं है। ओ वाह, ज्योति सिन्हा सिस्टर सेज स्केर्ड ऑफ कॉकरोचेस। हाँ, नीरा बहन कहती है इंडियन लिजार्ड से उनको डर लगता है, कैलिफोर्निया का लिजार्ड से उनको कोई डर नहीं लगता, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली। आई मीन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, आई हैड नो आइडिया देयर इज अ लिजार्ड में भी इतनी वैरायटी हो सकती है, बट दैट्स ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर थ्री, आई मीन काफी लोगों ने कहा है भाई हमको लिजार्ड से डर लगता है। क्वेश्चन नंबर थ्री,
आप में से कितने लोगों को सांप से, स्नेक से डर लगता है? वो हाथ ऊपर उठा। और हमारी गीता जुमानी सिस्टर ना, जब मैंने लिजार्ड कहा था तो शी हैड रेज बोथ द हैंड्स, बोला गिरीश बम को तो पूरे खानदान से डर लगता है। आई मीन, और अगर मैं और बातें करता रहूं तो आई थिंक यू विल हैव टू रेज ऑल योर लेग्स एंड आर्म्स। बोला अभी कुछ बचा ही नहीं है गिरीश भाई, आप तो हर डरावनी चीज से ही बात कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, जिनको सांप से डर लगता है वो जरा हाथ ऊपर उठे। ओके, हाँ, ओके, इसमें भी हैं काफी लोग, वंडरफुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम में से कितने लोगों को, कितने भाई बहनों को अंधेरे से डर लगता है? डार्कनेस। डार्कनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट फिर भी कुछ लोग हैं, ठीक है ना, डार्कनेस से भी डर लगता है। ओके, सो इफ यू लुक एट इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। और अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें, विशेष मैं गीता बहन को कहूंगा, बिकॉज उन्होंने हर चीज में हाथ रेस किया है, तो वो बोल रही थी गिरीश भाई आप है ना बोलते रहो, मैं परमानेंटली हाथ ऊपर रखती हूँ, मतलब ऐसा कोई चीज ही नहीं छोड़ा जिसपे मैं हाथ को नीचे रख सकूं। आई मीन, यू आस्क्ड ऑल द रॉन्ग क्वेश्चंस एंड आई हैड टू परमानेंटली रेज माय हैंड, ठीक है ना, बट दैट्स ओके। सो गीता बहन, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको अंधेरे से क्यों डर लगता है? One minute. Let me see. Yeah. Geeta. Okay. Haan, Geeta, when you can unmute yourself. Yeah. Mute ho gaya. Nahin, nahin. Sunai deta hai. Haan. But I can't see her now. Where is she? Aapka video band ho gaya, Geeta Ben. I mean, that's okay. और कोई भी अगर बोल सके अंधेरे से जिनको डर लगता है, please tell me why fear of darkness. Yes, Ranjan बहन, please आप unmute करके बताएं. By the time we have Geeta बहन on. ऐसा लगता है. I'm sorry. Today I am in silence, but I'm going to answer your question. No problem, sister. Okay. Yeah. मुझे अंधेरे से इसलिए डर लगता है कि कभी कोई कहाँ से आ जाएगा, कोई यहाँ कहाँ से आ जाएगा, या कोई खड्डा होगा मैं गिर जाऊंगी, या कुछ ऐसे कोई जीव जंतु होगा जहाँ मैं पाँव रख दूंगी, या कुछ ऐसे ऐसा भयानक भयानक सा सीन दिखाई पड़ता है, और ना होते हुए भी काल्पनिक ऐसा हो जाता है, तो इसलिए अंदर अंदर डर लगता है कि नहीं मैं वहां से कहीं कोई लाइट जला दे या कहीं मैं लाइट में जाके खड़ी रहूं। ओके, अगर घर में लाइट चली जाए तो भी डर लगेगा? नहीं, तो मुझे मालूम है कैंडल कहाँ रखा है, तो मैं मेरा मुझे पता है कि मैंने कैंडल कहाँ रखा है, तो जाके और मान लीजिए कैंडल ना भी मिले, सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक वो है जो अपने आप जल जाता है। नहीं, कैलिफोर्निया में पावर आउटेज हो गया, लाइट नहीं जल रहा है। नहीं, वो है ना हमारा वो ऐसा है, बैटरी वाला है, इमरजेंसी, यस, कोई टेक्निकल स्नैग आ गया है, मतलब कोई स्कोप नहीं है लाइट का, तब आपको डर लगेगा घर के अंदर भी? हाँ, अभी ये डर तो लगता है। क्यों डर लगेगा घर के अंदर? घर के अंदर तो कोई जीव जंतु और सब तो यू नो, फिर क्यों डर लगेगा? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू। पता है हमको डर इसीलिए लगेगा कि कोई वहां पे ऐसा लगता है कि कोई है, ठीक है, एंड आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एक्सपीरियंस। मैं एक बार कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा आपको अंधेरे से डर लगता है, तो फिर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे रेज देयर हैंड्स कि हाँ हमें डर लगता है। मैंने कहा क्यों डर लगता है, तो वन गर्ल स्टूडेंट सेड कि गिरीश सर मुझे डर इसीलिए लगता है क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। मैंने कहा जब दिखता ही नहीं है तो फिर डरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि भूत महाराज अगर बाजू में बैठेगा तो हाउ डू यू नो कि वो बाजू में बैठा हुआ है, अंटिल अनलेस दैट भूत टचेस यू एंड इंट्रोड्यूसेस आई एम भूत प्लीज फियर, आई मीन आई एम गोइंग टू ईट यू, आई एम गोइंग टू थ्रेटन यू, आई एम गोइंग टू स्केयर योर यू नो लाइफ आउट ऑफ योर हार्ट। अब पता ही, अंटिल एंड अनलेस ये भूत जी चाइना का या फिर कोई दूसरा कंट्री का एलईडी लाइट वगैरह लगा करके टचेस यू एंड से हेलो आई हैव अराइव्ड प्लीज वेलकम मी, आई मीन जब आपको दिख ही नहीं रहा है तो फिर डर किस बात का? ओके, ओ वंडरफुल, नाउ आई कैन स्पीक। हां प्लीज गीता बहन, प्लीज प्लीज बोलिए। ओके, मुझे मैंने काफी बार सोचा है कि मुझे क्यों डर लगता है।
क्योंकि दे आर नॉट रियली हार्मिंग अस बट सम समथिंग इन आवर इमेजिनेशन. गीता बहन, हु इज नॉट हार्मिंग यू? लिजर्ड. अच्छा अच्छा लिजर्ड. हां सांप तो मैंने प्रत्यक्ष देखा नहीं है मेरे आसपास. और अंधेरा वो कुछ मेरा बिगाड़ता नहीं है, लेकिन मुझे अननोन चीजों से और जो मुझे नहीं मालूम उनसे डर लगता है. आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड जो मुझे नहीं मालूम. या सो कैन यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट भूत, अबाउट द अननोन थिंग्स. भूत से मुझे नहीं डर लगता. जनरली अंधेरे का डर इज एसोसिएटेड विद सम घोस्टली स्पिरिट्स एंड एवरीथिंग. And Kapi says, maybe previous life or childhood fearful experiences. Wonderful. और यही हमको समझना है कि actually में fear का genesis क्या है, उसका आधार क्या है. ये तो हम ऊपर ऊपर हमने बात कर लिया. हाँ उषा बेन, you want to speak? Please go ahead. Okay, I have to say something. Please. मेरे को डर लगता था पहले अंधेरे का, right? Okay. तो फिर मैं छोटी थी ना, तब एक गांव में गई थी वेडिंग में, और वो बोर्ड में लिखा हुआ था कि डर ने दरवाजा खखड़ाया, यू नो, ऐसे नॉक किया, हिम्मत ने जाके खोला, वहां कोई नहीं था. वेरी गुड. मेरे को ऐसा लगता है कि डर, यू नो, ऐसे भी मैं कभी, मैं एक दो दफा घर में अकेली रही, हस्बैंड नहीं थे, तो मैं लाइट चालू करके सो जाती. फिर मेरी बेटी कॉलेज गई तो मैंने सोचा वो मेरी बेटी अकेले घर में रह सकती, तो मैं क्यों नहीं रह सकती. तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अब नहीं लगता, यू नो. ग्रेट. नहीं तो घर में ऊपर से नीचे सब लाइट ऑन करके करके नीचे आती, यू नो. जी जी जी, ब्यूटीफुल. चलिए, ऐसा होता है. आई एम हैप्पी कि यू हैव ओवरकम योर फियर. वंडरफुल. नो, बट वो सेंटेंस था ना, वो डर ने दरवाजा खखड़ाया, हिम्मत, हमें हिम्मत है तो हम खोलते हैं, तो कोई नहीं होता. तो वो कभी ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसा सोचती हूँ, फिर सब ठीक हो जाता है. टू जस्ट एड ऑन टू व्हाट यू सेड, फियर, अगर मैं उसका आपको डेफिनेशन बताऊं, फियर करके कोई चीज इस संसार में होती नहीं है. इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वीक माइंड. हमारा कमजोर मन का प्रतीक है डर. Actually, कुछ है नहीं. For example, there is nothing called as darkness. अंधेरा करके कोई चीज होता नहीं. वो तो प्रकाश या फिर रोशनी या फिर light की कमी है, उसका अभाव है. And the definition of darkness is absence of light. जहां light नहीं है वो अंधकार है. और मान लीजिए यहाँ लाइट चली जाती, हम सब एक ही साथ बैठे हुए हैं, लेट अस अज्यूम इन वन पर्टिकुलर हॉल, और आई एम टॉकिंग टू यू, वी आर जस्ट इंटरैक्टिंग, एंड अचानक लाइट चली जाती है. सो गिरीश भाई, बिकॉज ही वांट्स टू कंटिन्यू स्पीकिंग टू यू, व्हाट आई डू इज, मैं अंधेरे को हटाने के लिए एक तलवार निकालता हूं और अंधेरे को काटता हूं. ओ भाई, अंधेरा कटेगा? बिल्कुल नहीं. So I go for plan B. मैं boxing gloves पहनता हूँ और अंधेरे को boxing करके वहां से निकालने का प्रयास करता हूँ. Sorry, it is a futile effort. And finally, I try to sweep out the darkness from that particular room. Simple सा question है. Girish would fail in all his effort in removing darkness and creating light. और simple, आप सब पता है क्या करेंगे? Maybe if you have very handy, you have your cell phones with you, you will switch on the torch. Ya fir aapke paas aur koi source hai, agar matches ho, candle ho, emergency light ho, torch ho. Jitna jyada aap light create karenge, utna andhkar automatically khatam ho jayega. Arthaat, हम अंधकार को खत्म करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते. ऑल आई नीड टू डू इज टू जस्ट स्विच ऑन द लाइट, द इमरजेंसी लाइट, द मोबाइल का टॉर्च लाइट, और मे बी अ कैंडल. जितना आप प्रकाश, उतना अंधकार दूर हो जाएगा. आई विल गिव यू अ सिनेरियो. सपोज हम सब बैठे हैं राइट नाउ और हमारा लाइट ऑन है, सूरज की रोशनी आ रही है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइट, ठीक है. My challenge to you is,
यू हैव नो कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रिसिटी और द बल्ब. आप उसको टच नहीं कर सकते हो, आप वायर को कट नहीं कर सकते हो, आप स्विच को ऑफ नहीं कर सकते. लेट अस अज्यूम स्टार कंडीशंस अप्लाई. ओके, एवरीथिंग इट कम्स विद कंडीशंस. कंडीशन ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी लाइट उनको टच नहीं कर सकते, दैट्स बियॉन्ड योर रीच. ठीक है. नाउ माय चैलेंजिंग क्वेश्चन टू यू इज, अब आप जहां बैठे हैं बिना लाइट, बिना स्विच, बिना वायर, बिना मेन स्विच को कुछ किए बगैर, प्लीज क्रिएट डार्कनेस एट योर प्लेस. क्रिएट डार्कनेस. आप इतने वंडरफुल बाबा के बच्चे हैं, टू गुड. गीता बहन कह रही है आंखें बंद कर लो. गीता बहन, आंखें बंद करने का तात्पर्य ये है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन प्रकाश तो है. मैंने ये कहा था कि आप अंधकार को क्रिएट करो, इसका मतलब प्रकाश को खत्म करना पड़ेगा. वेदर यू आर सीइंग, यू आर नॉट सीइंग, आई डिडंट आस्क यू दैट. माय क्वेश्चन इज, प्लीज क्रिएट डार्कनेस. वेदर यू शट योर आईज, यू ओपन योर आईज, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. लेकिन फियर होगा ना तो अंधकार वैसे भी होगा ना, आंख खुली होगी तो भी. हाँ, इसका सिंपल आंसर है नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि देयर इज अ लिमिटेशन. इफ यू गो बाय द डेफिनेशन, अंधकार का डेफिनेशन इज एब्सेंस ऑफ लाइट, और मैंने आपको लाइट पर काम करने का परमिशन ही नहीं दी है. राइट, टिल द टाइम वहां लाइट है वहां अंधकार नहीं हो सकता है. सिमिलरली देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फियर, इट इज जस्ट मियरली द एब्सेंस ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज, द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, द इनर कॉन्फिडेंस. To know and understand and accept the unknown. Ki I don't know what is going to be there tomorrow. Just accept it. The power of acceptance. Antrik shakti ki mujhe nahi pata hai kal kya hone wala. I mean, that is how it is. You cannot do anything. That's how life is. I'll give you a simple scenario. Death. Aap psychologist se baat karenge, to they have a different list of fears. I mean, it's not about dog or lizard or andhakar. ऐसा सब वो लोग नहीं handle करते. तो बहुत छोटी-छोटी बातें. उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे. If time permits, they speak about death, about fear of rejection, fear of the unknown, fear of failures, fear of death, fear of public speaking, yeah, fear of ill health. ये सब का list एकदम थोड़ा डिफरेंट लेवल पर है. सो अगर मैं डेथ को हैंडल करूं, ठीक है. नाउ इफ आई नीड टू गिव यू अ लॉजिक, लेट मी पिक अप समथिंग. ओके, लेट मी हैव दिस पेन. ओके, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं. आई हैव दिस पेन. बहुत सिंपल एग्जांपल. इफ आई थ्रो दिस पेन, आप यू नो आई ट्राइड टू, मैं इस पेन को ऊपर मैंने फेंका तो ये पेन नीचे आ गया. क्वेश्चन, पेन नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का फोर्स कहते हैं. अगर इससे रिलेटेड मैं प्रश्न पूछूं, ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी को किसने बनाया? हिंदू धर्म ने बनाया, इस्लाम धर्म ने बनाया, क्रिश्चियनिटी ने बनाया, अमेरिकन्स ने बनाया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने बनाया, गांधी जी ने बनाया, माताएं बहनों ने बनाया, ब्रह्मा कुमारी ने बनाया, गिरीश भाई ने बनाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया, न्यूक्लियर फिजिक्स ने बनाया, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, होम्योपैथी, मेडिकल साइंस. प्लीज टेल मी किसने बनाया? नो, नेचर. नो. Wonderful. Very good. I mean, बहुत क्लियर है आप लोग. कैलिफोर्निया, too good. Yes, such smart people. My question now is, वो तो आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया. No. I mean, the difficult question is, please tell me, किसने बनाया? अगर इन सब ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? नेचर. नेचर ने बनाया. नेचर ने बनाया. एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर को किसने बनाया? नेचर को किसने बनाया? नेचर.
Nature is already there. Nature is already there? Nope. Srishti chakra ne. There is an energy in the world which made it. What is that? Okay, so let me I'm not going into the complexity of it. Eh? It will go into a infinite loop. उसके लिए लॉजिक पता है क्या कहते हैं? उसके लिए लॉजिक ये है कि अगर मेरे को आपके घर आना है, आप कैलिफोर्निया में मुझे इनवाइट करेंगे, तो आई टेक अ फ्लाइट एयरपोर्ट तक, फिर एयरपोर्ट से आपके घर तक मे बी टैक्सी या कार से आऊंगा, बट देन आपके गेट में मेरे को गाड़ी को छोड़नी पड़ेगी. आई के नॉट कम टू योर बेडरूम विद द कार. यस, हमारा ये जो लॉजिक है ना, it can help you go till one particular destination. Uske beyond, you have to leave this logic. You have to leave the limitation of science. Usko material cost and opportunity cost kehte hain. Main usme details mein nahi jaunga. Chaliye. Hai. Mere hisab se gurutvakarshan. Kisne banaya? Bhagwan ne banaya? Aap srishti chakra ne banaya? Let us not get into it. Theek hai? That's a debatable question and we can discuss about it. But मेरे हिसाब से ग्रेविटी सत्य है. इट इज ट्रुथ. ट्रुथ को ट्रुथ होने के लिए टू कंडीशन मिनिमम, बेयर मिनिमम टू कंडीशन होना चाहिए. और फियर का दुश्मन या मेजर कारण इज इग्नोरेंस. हमको पता ही नहीं है. वी डोंट नो द ट्रुथ एंड द रियलिटी. इज जस्ट सम काइंड ऑफ एन इमेजिनरी कंसेप्ट इन आवर माइंड. सो ग्रेविटी को ट्रुथ होने के लिए या किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्टेटमेंट, आइडिया, कंसेप्ट को ट्रुथ होने के लिए टू कंडीशंस आर अ मस्ट. बेयर मिनिमम टू कंडीशन क्वालिफिकेशन है. नंबर वन क्वालिफिकेशन, ट्रुथ इज एन ऑलवेज फिनोमिना. वो सदा, एंड आई लव दिस वर्ड यूज्ड बाय द ऑलमाइटी, सदा. कभी कभी नहीं, सदा. क्वेश्चन, ग्रेविटी सदा या कभी कभी? सदा. रात को ज्यादा, दिन में गायब. सदा. या सो इफ यू गो बाय द साइंस ऑफ ग्रेविटी, जब से ये पृथ्वी बनी, जब भी बना, बिग बैंग थ्योरी, सृष्टि चक्र, वट एवर इज द लॉजिक, इट हैड गॉट मास एंड टू विद इन अ लिमिट इट विल पुल एवरीथिंग. दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना. ठीक है ना, हम साइंस के हिसाब से करें. If I compare Girish ka age with that of Earth ka age, let us assume on an average, main jeeta hoon 100 varsh tak, 100 bhi thoda jyada hai. Theek hai, let us assume 100 years. Aur Earth ka age aur Girish ka janam aur mrityu ka age dekhunga, to mere liye ye jo time span of 100 years, isme gravity change nahi hoga. So mere liye gravity ki jo phenomena, another 10,000 billion years ke baad gravity theek ho jayega, khatam ho jayega, I don't care. बट मेरे लिए द स्पैन ऑफ लाइफ के हिसाब से ग्रेविटी इज नॉट चेंजिंग. इट इज ट्रुथ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट? वंडरफुल. दैट्स द इक्वेशन नंबर टू. ग्रेविटी किसी पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, नेशनलिटी, जेंडर के लिए फेवरेबल, किसी के लिए अनफेवरेबल नहीं हो सकता. अमेरिकन के लिए 15 मीटर स्क्वायर और इंडिया के लिए 25 मीटर स्क्वायर. अरे वाइस और डिस्क्रिमिनेशन. माताओं बहनों के लिए 2 मीटर, भाइयों के लिए और जिनका सिर के बाल नहीं उन पर ज्यादा इफेक्ट, ऐसे नहीं हो सकता है. बच्चों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, पढ़े लिखे के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, अनपढ़े के लिए अलग. यू लाइक ग्रेविटी, यू डोंट लाइक ग्रेविटी, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू. यू अप्रिशिएट इट, यू डोंट अप्रिशिएट इट, यू फियर इट, यू रिस्पेक्ट इट, यू एक्सेप्ट इट. Are it has nothing to do with you. It is your programming. वो आपकी choices है, but gravity will work on you. You don't concentrate. आप ध्यान से नहीं चलोगे, आप सीढ़ी उतर रहे हो, ध्यान नहीं दिया, आप गिरोगे, trip down करोगे और आपको चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी. Yes. Now, please understand how we make a mockery and you know we make our life comfortably miserable with truth. उदाहरण देता हूँ. फंकी यू नो उदाहरण है ना, फनी उदाहरण. आई होप यू विल अप्रिशिएट इट. गिरीश डजंट लाइक ग्रेविटी. मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत परेशान है, मुझे टेंशन हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरे को बॉयल हो जाता है मेरा ब्लड प्रेशर, मेरे को डर भी लगता है. आप लोग पूछेंगे, भैया प्रॉब्लम क्या है तेरे को? और मैं आपको दो लाइव, somebody wrote experiences, now this is also a problem.
Your experience may be your experience, but is it the truth experience? And we start bombasting about ourselves. मैंने ऐसे ही बाल खराब नहीं किए, मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैं बाप हूं तेरा, तू समझता क्यों नहीं है? अरे आप बाप है, अंडरस्टूड योर एक्सपीरियंस, आई रिस्पेक्ट, बट इज इट द ट्रुथफुल एक्सपीरियंस? ओनली आई हैव ओनली वन फंडामेंटल राइट टू गाइड somebody बेस्ड ऑन ट्रुथ, नॉट बेस्ड ऑन my एक्सपीरियंस. आई गिव यू अ कॉम्प्लेक्स scenario. गिरीश भाई टूडे ऑन 25th इंडियन डेट के हिसाब से 25th ऑफ दिसंबर को आकर कहता है, भाइयों और बहनों किसी पर विश्वास नहीं करना. मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, बहुत मैंने क्या बोलते हैं धोखा खाया है, सोच समझ करके किसी पर विश्वास करना. और भाइयों और बहनों प्लीज डोंट बिलीव एनीबडी ब्लाइंडली. It is out of my 25 years of my experience in Brahma Kumaris and my 47 years of my existential experience traveling across the whole globe. Believe me, I have had terrible time believing people blindly. Maine muh ki khai hai. And let us assume tomorrow Dr. E.V. Swaminathan bhai aate. We are of the same clan. And another pure, the divine, the wonderful soul he is. And again, California audience, 26th of December, Swami bhai says, भाइयों और बहनों मैं अपने अनुभव 50 साल ही इज 3 इयर्स एल्डर टू मी 50 साल का अनुभव से कह रहा हूं, मीटिंग ग्लोबली वंडरफुल पीपल, जिंदगी बहुत आसान है. मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, आंख बंद करके विश्वास करिए. अरे कोई आपको दगा नहीं देगा, कोई आपको चीट नहीं करेगा. लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, एक बार करके तो देखो, यू विल हैव वंडरफुल एक्सपीरियंस. नाउ माई क्वेश्चन इज, शुड यू बिलीव गिरीश भाई और शुड यू बिलीव स्वामी भाई? Or forget about believing both of them. What is the truth? Vishwas, depending on my experience, I will accept. That's the whole problem. Depending on your wrong, false experiences. We'll say he's right or he's right. What I'm trying to say is, depending on our experiences. If your experience matches the truth, then it is the right experience. Or that experience could be based on ignorance, who knows, based on your past experience, based on the mental programming, based on mental flawed models, who knows. And unnecessarily, I will fear the snake, the lizard, the darkness, and I say it unknown, unknown, unknown. That's the whole problem. Yes. I hope you're understanding. So my question is, I mean, mere ko ye gravity pasand nahi hai. Aap puchenge kyun pasand nahi hai, tumko kyun problem hota hai? Two examples, my experience. Number one, you know, I'm from Mumbai, basically. Aur main bahut travel karta. Abhi to lockdown mein thoda kam ho gaya. Very extensive traveling. For months, I'm not in Mumbai. 3 days, one city. Another 3 days, I'm in another city. So, ek bar, I was in a place called as Zahirabad, near Hyderabad. It was almost around 5 hours drive. And I was doing a program for Mahindra International Tractors Division. Wo tractor banate hain, it is all the tractors are made for US. Theek hai? Those tractors Indian farmers don't use. Unme AC cabin hai, uske tire ke specification alag hai. I mean, maine kabhi nahi dekha aisa tractor India mein. So I finished my program aur achanak mujhe Mount Abu se call aaya ki aapko Mount Abu mein aana hai. To maine kaha main nahi aa sakta hoon kyunki mere ko Patna mein Federation of Gynecological Society of India. I do a lot of program for gynecologists on a mother-baby project, very scientifically and spiritually. So I said, "Mere ko wahan par conference hai, so I cannot come." So unhone kaha, "Kab hai aapka?" Maine kaha, "Third day pe." So unhone kaha, "Ek kaam karo, abhi ke abhi niklo wahan se. Kal ki aap flight pakdo. Kal aap Mount Abu mein Gyan Sarovar ka program karo, and parso subah Ahmedabad se hum aapki flight book kar dete." तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया एंड आई कुडंट से नो. आई सेड फाइन. सो रात के 1 o'clock आई वांटेड टू लिसन टू द ब्यूटीफुल स्टोरी. आई ड्रोव डाउन फ्रॉम जहीराबाद टू राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद. द होल नाइट आई वाज ट्रैवलिंग. आई रीच्ड ऑलमोस्ट अराउंड 5 o'clock इन हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. टुक अ फ्लाइट, केम टू अहमदाबाद. अहमदाबाद से वापस 5 hours ड्राइव टू माउंट आबू. मैंने फिर नाश्ता भी अहमदाबाद में किया. बाय द टाइम आई रीच इट वाज लंच टाइम. लंच करके यू नो फोरनून में मेरा एक सेशन था, उसके बाद इवनिंग में एक सेशन था. दो सेशंस कंप्लीट करके फिर अराउंड 7 o'clock वापस मैं अहमदाबाद लोटस हाउस में वापस आया. इट वाज ऑलमोस्ट मिडनाइट, से भी थोड़ा लेट हो चुका था. एंड द थर्ड डे 7 o'clock आई हैड अ फ्लाइट फॉर पटना इन बिहार. सो यू नो दो दिन
मैंने सोया नहीं, आई डिडंट रेस्ट, आई वॉज लिटिल टायर्ड, और मुझे थोड़ा डाउट था कि वेदर आई विल बी एबल टू वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर टाइम टू कैच माई फ्लाइट. एंड एज आई हैड थॉट, मेरे को आंख लग गई, एंड जब मैं आंख खुली मैंने देखा आई हैड ओनली 1 hour टाइम लेफ्ट टू रीच द एयरपोर्ट रिपोर्टिंग टाइम. ओ गॉड, अब आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, rushed to the washroom, स्नान करने के लिए. I don't know what went wrong. जल्दी जल्दी में शायद I did not want to miss the flight. वो बाथरूम में मैं फिसल गया और मैं धड़ाम करके I hit the floor. I had severe injury in my right shoulder. Now my question is, please थोड़ा logic के साथ जवाब दीजिएगा. मेरे दर्द का, चोट का कारण कौन? एक चीज मुझे समझ में आ रहा, कैलिफोर्निया के भाई बहनों को संवेदना, किसी के दर्द की भावना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. एक तो मैं अपने दर्द की बात कर रहा हूँ और आप उल्टा मुझे ही बोल रहे हो, तुम ही तुम्हारे दर्द का कारण, तेरी ही सोच. वैशाली दीदी, ये माताएं जले पे और नमक छिड़क रही है, और केयरलेसनेस, अरे बोलने की जरूरत है क्या? यू कैन ड्रामा में ऐसे ही लिखा हुआ है. आप तो किसी के दर्द को समझने की भावना है या नहीं है? ऊपर अभी आपको भाई साहब समझ में आता है कितना अच्छे से प्रिपेयर किया? वैशाली बहन, यू हैव डन अ वंडरफुल होमवर्क. टू स्मार्ट. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं जल्दी में था. फैक्ट. मैं 2 रात से सोया नहीं था. फैक्ट. मैं शारीरिक तौर पर थका था. रियल फैक्ट. I didn't had enough of sleep. Fact. I was in a hurry. Fact. I didn't take care of myself or the situation. Carelessness. Fact. Mm-hmm. I rushed to the washroom. Fact. The floor of the bathroom along with the water became slippery. Fact. I slid. Fact. But why did I fall? I should have floated in the air. It is because of gravity. Oh. Okay. Well, oh, no. Gravity. Yes, sir. No. Yeah, brother. Yes. हमारी इतनी wonderful हमारी माताएं बोला yes yes. Now we are getting the logic. Example number 2. अरे gravity नहीं होता था. With all carelessness, with all hurry bury, with all tiredness, I shouldn't have hit the ground. फिर मुझे चोट ही नहीं लगती थी. You're such a wonderful audience. Example number 2, I'm from Mumbai. Mumbai ka local train mein itna bheed hota hai. Aur ek bar main travel kar raha tha. I mean, I used to travel quite frequently. Mere dono haath mein bags the. Jaise hi mera station pahuncha, log chadte hain, utarte hain. Thoda dhakka mukki ho hi jata hai. Jab main utar raha tha, I don't know. Kisi vyakti ka kohni tha, kandha tha, sir tha, kya tha. Mere chashme mein laga. और चश्मा ऑटोमेटिकली उसके फोर्स से चश्मा मेरे मुख से चेहरे से निकला. बिफोर आई कुड अंडरस्टैंड, मैं अपना एक हाथ का बैग दूसरे हाथ में रख करके एक हाथ फ्री करके चश्मे को पकड़ता. चश्मा नीचे गिर गया, लोग उस पे पांव रख दिए, एंड आई हैड टू इनकर अ लॉस ऑफ 5,000 Indian rupees लॉस. नाउ माई क्वेश्चन इज, मेरे 5,000 rupees के चश्मे का नुकसान का कारण कौन? Gravity. Yes, this is interesting. Wow. अभी आप लोग मेरे दर्द को भावना को समझ रहे हो. It is because of gravity. Now, क्योंकि दीदी ने आपको अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. मैं गिरीश भाई थोड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ, डर में हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ. आई लूज माई टेम्पर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, प्लीज आप बताइए, गेट मी अ सोल्यूशन, इसका समाधान बताएं. आई टोल्ड यू इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. बाकी सब तो है, केयरलेसनेस वेयरलेसनेस है, बट द मेजर इशू इज ग्रेविटी. प्लीज हेल्प मी विद अ सॉल्यूशन. एंड आई टोल्ड यू मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को डर लगता है ग्रेविटी से. आई एम नॉट
comfortable with gravity, please help me. What should I do? We have to accept the gravity. Accept it. Wonderful. That is the truth. We can't change it. You have to be careful. क्या बात है माताजी आप ही क्लास करा लो आज इतने अच्छे महावाद के आप ही उच्चारण कर रहे हो वही तो मैं बोलने वाला था आप ही ने बोल दिया हमारा टू गुड जिसने भी उतर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड इट वाज अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ माइन इन द सेंस इट रियली हैपेंड विद मी आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑल डॉक्टर्स इन चेन्नई साउथ इंडिया एक्सक्यूज मी भाई जी अगर आप नहीं बोल रहे हैं प्लीज अनम्यूट कीजिए इतना एक्सरसाइज कीजिए तो क्या है कि उनकी आवाज हमें ठीक से आएगी ठीक है प्लीज अनम्यूट कीजिए अगर आप नहीं बोल रहे हैं किसको मुझे कह रहे दीदी नहीं 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 आप चलू रखिए ओके ओके सॉरी सॉरी मुझे लगा कि आई एम ओवर स्पीकिंग नहीं 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 आप चालू रखिए ओके ओके वी आर एंजॉयिंग आपके इतने वंडरफुल आंसर्स राइट बट इसको ना बहुत गहराई से समझना है एंड यू नो व्हाई आई गिव यू दिस काइंड ऑफ वियर्ड एग्जांपल्स बिकॉज़ वी हैव बिकम वियर्ड हियर हमारा एवरी थॉट को हमने समझा नहीं है वी हैव टू माइन्यूटली अंडरस्टैंड नाउ दिस डॉक्टर्स कम्युनिटी ऑल डॉक्टर्स तो मैंने उनको यही एग्जाम्पल दिया एंड आई सेड यू आर डॉक्टर्स प्लीज गिव मी सम मेडिसिन गिव मी सम ट्रीटमेंट अनलाइक आप लोग वहां दो डॉक्टर ने दे रेज्ड हिज हैंड सो आई आस्क्ड दैट सर कि डॉक्टर साहब प्लीज आप बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा गिरीश आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं मैंने कहा सर लेकिन मुझे हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है मेरे को ग्रेविटी से प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बट आई हैव मेडिसिन फॉर यू मैंने कहा बताइए उन्होंने कहा गिरीश माई स्पेशलाइजेशन इज की होल टोटल नी रिप्लेसमेंट मैं घुटने चेंज करता कि लोगों का घुटना खराब हो जाता है ना तो आई रिप्लेस इट तो मैंने कहा सर मेरे को सिर दर्द कई बार किया है पेट दर्द भी हुआ है बदन भी दर्द हुआ है लेकिन जिंदगी में आज तक कभी घुटना दर्द नहीं हुआ है मेरे को प्रॉब्लम ग्रेविटी से आई मीन हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प उन्होंने कहा गिरीश आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिमाग जो है ना वो घुटने में आ गया और मैं वो रिप्लेस कर सकता आई मीन व्हाट रबिश यू आर स्पीकिंग ग्रेविटी से प्रॉब्लम है इसका कोई दवाई नहीं हो सकता है मेडिकल साइंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है मैंने कहा सर आप इंसल्ट तो नहीं करो मेरे घुटने में वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस इट देयर वाज वन लेडी डॉक्टर आई मीन शी रेज्ड हर हैंड मैंने कहा मैडम बताइए शी सेड आई हैव गॉट टू मेडिसिंस फॉर यू मैंने कहा बीमारी ज्यादा है क्या दो दवाई खाना पड़ेगा बोला नहीं नहीं पहला दवाई खाइए SOS अगर काम ना करे तो सेकंड ले लीजिए मैंने कहा यू आर सो वंडरफुल यू हैव प्लान बी ऑल्सो इन केस प्लान ए डजंट वर्क यू आर सच अ वंडरफुल लेडी तो मैंने कहा बताइए पहला दवाई उन्होंने कहा मिस्टर गिरीश आप एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में मैंने कहा कौन सा हॉस्पिटल आप लोग बताइए कौन सा हॉस्पिटल केटरिस्ट रूहानी हॉस्पिटल क्या बात मेंटल माय गॉड देयर वाज ओनली वन बहन हु सेड रूहानी हॉस्पिटल बाकी सब पता है क्या बोलते हैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ यू आर नॉट इन योर सेंसेस यू आर नॉट ओके यू आर नॉट नॉर्मल यू हैव गॉन केस मैंने कहा मैडम वो डॉक्टर मेरा घुटना चेंज करा रहे यू आर एडमिटिंग मी इनटू द मेंटल हॉस्पिटल मैं नहीं लूंगा दूसरा दवाई बताइए देन शी सेड गिरीश भाई अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है तो द सेकेंड मेडिसिन इज स्वीकार कर लो एक्सेप्ट इट यू हैव नो अदर चॉइस The greatest power with respect to truth, you have no choice but to accept it. And the good news, मैं बताता हूँ, आप लोग अपने life को analyze करिए and please let me know whatever your age is. Let us assume on an average your age is 50 years. Let us assume, ठीक है? If I'm the higher side, please let me know. I'll reduce it. Okay? आप लोग सबका एवरेज इज लेट अस अज्यूम इट इज 50 इयर्स प्लीज बताइए लास्ट 50 इयर्स में डिड यू एवर गेट वरीड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डिड यू एवर कंप्लेन अगेंस्ट ग्रेविटी डिड यू गेट एंग्री ओवर ग्रेविटी डिड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर ग्रेविटी यस और नो 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 व्हाई वी डिडंट नो अबाउट दैट बिकॉज़ वी डिडंट ब्लेम ग्रेविटी हां क्यों क्योंकि गीता बहन ब्लेम करके भी कोई फायदा नहीं है
We have to accept it. नहीं, accept it. Now. हमने कभी सोचा ही नहीं, इतना accept किया गया. Wonderful. My question is, आप लोगों ने मुझे तो admit कर दिया कि मैंने ग्रेविटी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी मेंटल हॉस्पिटल में. आप अपने जीवन को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने जीवन को चेक करिए. ऐसे कौन कौन सी चीजें, डिड यू एक्सेप्ट योर हस्बैंड द वे योर हस्बैंड इज, और डिड यू वांटेड हिम टू बिहेव द वे यू वांटेड? डिड यू एक्सेप्ट योर चाइल्ड? डिड यू एक्सेप्ट योर बैकएक? डिड यू एक्सेप्ट योर मदर इन लॉ? डिड यू एक्सेप्ट कैलिफोर्निया की ठंडी? डिड यू एक्सेप्ट द अमेरिकन कल्चर? डिड यू एक्सेप्ट व्हाटएवर व्हिच वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल? Anything and everything. और मेरा मानना है हम सब एडमिट होने के लायक है. तो कई मोटी बातों में. लेकिन gravity does not react. People react. I'll come to that, sister. The question is not about reacting. The question is about acting. It's about your response. Fear is a negative response. The response is out of, ignorance. And the simple understanding is, हम जब भी गिरे, हमको चोट लगा, हमने कभी gravity पे question नहीं किया. अरे दीदी, वो मैं चल के जा रही थी ना, मेरा ध्यान नहीं था ना, तो वो पत्थर था, उसमें पांव टकरा गया और मेरी चोट लग गई. अरे कमाल है, my problem, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने ठीक से नहीं चल रही थी, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, एवरीथिंग इज मी. एंड फ्रॉम दैट बेसिस यू सेड, गिरीश भाई आपको दर्द का कारण, यू वेर केयरलेस, यू वेर इन अ हरी, बिकॉज दैट इज व्हाट वी डू. वी नेवर क्राई, क्रिब, कंप्लेन अगेंस्ट ग्रेविटी. सिमिलरली, एग्जाम्पल नंबर 1, डेथ इज इक्वल टू ये शरीर छोड़ना, सिम कार्ड को निकाल करके दूसरे मोबाइल में लगाना क्योंकि पुराना मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा. इसी तरह ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना इज इक्वल टू डेथ. और लोगों को डेथ से इतना ज्यादा डर है, उसका भी कारण है. वो कारण ये है कि घर में दादाजी की मृत्यु हो गई, ओल्ड एज, नेचुरल नॉर्मल डेथ. घर वाले सब रो रहे हैं, तो उनकी जो बेटी, दादाजी की बेटी पोती, ग्रैंड डॉटर, वो मम्मी की साड़ी खींच के उनको ड्राइंग रूम में दादाजी का डेड बॉडी लिटा के रखा है. सब लोग बैठे हुए हैं और सब रो रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं. सो दिस ग्रैंड डॉटर गोज टू द मदर, टक्स हर साड़ी एंड सेज, मम्मी मम्मी तुम क्यों रो रही हो? सेकेंड स्टैंडर्ड चाइल्ड है, ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8 years. वो मम्मी को पूछती है, मम्मा मम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो मम्मा बेटी को कहती है, बेटा दादाजी हमको छोड़ के चले गए. तो वो छोटी बच्ची, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट है, वो मम्मी को पूछती है, मम्मा मम्मा कहाँ गए, यहाँ तो लेटे हैं. अंतर इतना है कि कल तक बेडरूम में लेटे थे, आज आपने उनको जमीन में लिटा के रखा और सब लोग बाजू में बैठे, यही तो है. मम्मी कहती, बेटा तुम नहीं समझोगी, दादाजी हमको छोड़ के चले गए. तो छोटी बच्ची इंसिस्ट, कहाँ गए, यहाँ तो है ना लेटे. Then the mother says, अब वो छोटी बच्ची के लेवल में आकर के बच्ची को समझाती है, बेटा दादाजी है ना, twinkle twinkle little star up above the world so high like a diamond in the sky. हमको पता ही नहीं है वो उस वर्ल्ड के बारे में, हमको पता ही नहीं है स्टार के बारे में. तो दादाजी has become a star, diamond. और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आई मीन ऑन अ लाइटर वे, जब तक जिंदा थे ना किसी ने उनको स्टार माना ही नहीं. खाते तो है नहीं, दवाई तो टाइम पर लेते नहीं है, परेशान ही करते रहते हैं, और जब जाने के बाद पता चला स्टार गए, कितना मिसमैच है. जीते जी स्टार मान के थोड़ा प्यार से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अपना फर्ज कर सकते थे तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाती थी. सो माई क्वेश्चन इज, डेथ सत्य है. गांधी जी ने शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा, गौतम बुद्धा ने शरीर छोड़ा, प्रॉफेट मोहम्मद ने शरीर छोड़ा, मेरी माँ जिसके साथ सब मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उनको कैंसर की बीमारी से, उन्होंने शरीर छोड़ा, मेरे बच्चे कल की डेट में शरीर छोड़ेंगे, ये गिरीश भी शरीर छोड़ेगा, सत्य है. और इस सत्य से मैं रो रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे यहां प्रोग्रामिंग किया गया कि
कि अगर किसी की मृत्यु हो तो मम्मी रो रही थी, दादी रो रही थी, घर वाले रो रहे थे. नाउ दिस इज नॉट, मुझे डेथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम होगा भी ना तो तू कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है ना. आई मीन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. बट माई प्रॉब्लम इज विथ रोना, माई प्रॉब्लम इज विथ फियर, माई प्रॉब्लम इज विथ दुख. वाई यू सेड last 50 years you never ever cribbed, cried, criticized against gravity because it is beyond your control. Death, ghabrana is ignorance, rona is ignorance, dukhi hona is ignorance, because that is how I am programmed, because I don't know the reality. If life is truth, so is death truth. Dharma sthapako ne bhi sharir choda. मैं जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या जिन्होंने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया उन्होंने भी शरीर छोड़ा, आज नहीं तो कल शरीर छोड़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू. गिर गए, चोट लग गई, ओ गॉड, यू विल गो फॉर द सॉल्यूशन. डॉक्टर को दिखाएंगे, टिंचर लगाएंगे, स्पिरिट लगाएंगे, डेटॉल लगाएंगे, बैंडेड लगाएंगे, एंड यू गो ऑन. इट इज जस्ट एन इवेंट, इट जस्ट हैपेंड. यस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माइसेल्फ सो दैट आई डोंट इनकर द इंजरी. But when it comes down to death, घबराते हैं. मैं एक बार लखनऊ में प्रोग्राम कर रहा था, ऐसे ही बातों बातों में मैंने ऑडियंस को कह दिया, मुझे अगर पता चल जाएगा ना कि कल मेरी मृत्यु होने वाली, ओ माई गॉड, आई सेलिब्रेट टू द कोर. दीपावली, दशहरा, बर्थडे सब एक साथ टिल टुमारो. तो लोगों ने कहा, अरे क्यों आप बर्थडे, मतलब क्यों इतना सेलिब्रेट करोगे. इट इज ऑल टू डू विथ योर साइकी. मैंने कहा मृत्यु अर्थात ये पुराना कॉस्ट्यूम छोड़ना और एक नया कॉस्ट्यूम लेना. और बच्चे को पुराना साइकिल खराब हो गई है, मम्मी नई गिफ्ट में लाकर सरप्राइज देती है, तो बच्चे को पुराना साइकिल का छोड़ने का दुख नहीं होता. ही इज एक्साइटेड टू गेट अ फ्रेश वन. और रोता नहीं है कि पुराना चला गया, उसके साथ उसका मोह नहीं है. मैंने कहा द सेम लॉजिक. मुझे है ना थोड़ा सा ना ये बालों का जो प्रॉब्लम है ना, इसके कारण मुझे थोड़ी तकलीफ है और मैं कल शरीर छोड़ने वाला हूँ. वाओ, नेक्स्ट बर्थ अगर मैं लड़की बन के पैदा हुआ तो लंबे घने बाल परमानेंट, हु नोस. अब अगर आप मृत्यु को लेके रो सकते हो तो मैं मृत्यु को लेकर खुशी भी तो हो सकता हूँ. इट इज जस्ट हाउ यू लुक एट इट, इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ यू थिंक क्राइंग इज ओके, देन थिंकिंग दैट नेक्स्ट बर्थ आई एम गोइंग टू बी अ फीमेल एंड आई हैव लॉन्ग हेयर, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, बट इट विल फ्री मी आउट ऑफ माई फियर, बिकॉज माई चैलेंज इज टू ओवरकम फियर. इट इज एज सिंपल एज दैट. बट द चैलेंज इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फियर इज. So let me share, you know, a simple presentation. We have got some time. I'll run through it very fast so that you understand. Just a minute. Where is it? I can see. Just a minute, sister. It was not that one. Anyway. Okay, I'll use this. Yeah. And if you want, I can share this presentation. You can use it. Victory over fear. And I have used an Indian deity ka photo. Indian culture ke hisab se, ye maa Durga hai. Aur inko dusri bhasha mein Mahishasura Mardhini kehte. Aur kyun Mardhini? Mardhini mana marna. Aur Mahishi karke ek rakshas tha. Mahishi mana buffalo. और उसके जो पिता और बफलो के उसमें से ये राक्षस पैदा हुआ था महिषासुर. और इसने ब्रह्मा की बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा को वरदान देना पड़ा. और उसने वरदान मांगा कि मैं अमरत्व प्राप्त करना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता. तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हल्लो भैया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. ये लाइफ एंड डेथ जैसे ग्रेविटी है ना, वैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है. उसके अलावा कुछ मांग लो. तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे एक वरदान दीजिए कि देवता, मानव और दानव, इनसे मैं मरना नहीं चाहता. दे के नॉट किल मी. तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु. एंड देन ये महिषासुर जो था, इसने पूरे तीनों लोकों पर जीत पा ली. इवन जो डेटी किंगडम है उसको भी उसने हिला दिया. इंद्रदेव की कुर्सी हिल गई. आई मीन ये सब भागे.
ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास, दे कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग. अभी जैसे कोविड का मीटिंग चलता है गवर्नमेंट्स का, तो दे कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग कि भाई क्या करना है ये महिषासुर को हैंडल करने के लिए. तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ने अपनी शक्ति और सब देवी देवताओं ने अपनी शक्ति से देवी का निर्माण किया, देवी को जन्म दिया. इसीलिए माँ दुर्गा के मम्मी पापा कोई नहीं है, उनको शिव शक्ति कहते हैं. उनका जन्म नहीं हुआ, माँ दुर्गा की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, लेकिन हम माँ कहते हैं. कमाल है, कौन सी माँ, कैसी माँ बन गई. और इस देवी को आठ हाथ दिखाते, वेरी पावरफुल, फुल ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन, बट लुक एट द फेस, इट्स सो डिवाइन, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो सीरीन, इट्स सो लवली, इट्स सो अट्रैक्टिव. ऐसा लगता है देखते जाओ, लक्ष्मी का चेहरा देखना. आप ईस्ट इंडिया में जाएंगे ना, बंगाल उड़ीसा, मैं काफी ट्रैवल करता हूँ, और एक बार मैं जब गया था तो वहाँ लक्ष्मी पूजा, वो उसका भी बड़ा बड़ा पंडाल बनाते थे. वो आई, मैंने दीदी को गाड़ी रो, मैंने कहा दीदी मैं देख कर आता हूँ लक्ष्मी जी को, और मैं वहीं खड़ा रह गया. क्या क्या अट्रैक्शन था वो देवी. इस देवी ने शक्ति का इस्तेमाल किया और महिषासुर का वध किया. सो देयर इज अ प्रॉपर मिक्स. सो कैन आई इनवोक द पावर्स गिवन बाय द ऑलमाइटी, दिया है भगवान ने हम सबको, बस हमें वो इनवोक करना है. द राइट नॉलेज, द राइट पावर, एंड फियर गोज अवे. But let us try to understand what fear is. Now I am bringing psychology into picture. Fear is an unpleasant feeling triggered by the perception of danger, whether real or imagined. Now this is where the whole problem. ये अच्छी feeling नहीं है. मुझे कुछ प्रकार की घबराहट हो रही है, मन की अस्वस्थता है वो. वो physical level पर आपका heart beat बढ़ जाएगा, आपको सांस चढ़ जाएगी. It could be anything. क्यों? क्योंकि आई एम सेंसिंग डेंजर. बट ये जो डेंजर है वो रियल भी हो सकता है, वो मेरा इमेजिनेशन भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है. और ये काल्पनिक डर जो है ये मेजर प्रॉब्लम है रादर देन वास्तविक फियर. और इसको ही हमें समझना है. एक लेवल तक फियर इज हेल्दी. फॉर एग्जाम्पल, मैं पिकनिक में आया हूं आप सब हमारे ब्यूटीफुल फैमिली के साथ. हम लोग एक हिल स्टेशन में गए यूएस में, और वहां एक क्लिफ ऑफ द माउंटेन, एकदम पीक, हम भी सब चढ़ गए वहां पर, और एकदम एज में गिरीश भाई खड़े हैं, और मैं थोड़ा सा ही पीप डाउन, लॉन्ग डीप वैली, और जैसे ही मैं उसके नजदीक जाऊंगा ना, गारंटीड हर मनुष्य आत्मा को हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, सांस फूलने लगेगा. That fear is generated naturally by the chemical and the electrical brain of your body. It will release adrenaline and it will try to stop you. नहीं गिरीश, आगे जाओगे तो आप गिर जाओगे, तो permanent loss हो जाओगे, इसीलिए don't go ahead. Now that is healthy fear. It will always protect you. वो instinctively आपका chemical secretion होगा. उतने तक फियर इज वेरी हेल्दी. बियॉन्ड दैट अगर वो काल्पनिक है, दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम इज. फियर कम्स इन मेनी शेप्स. इट कुड बी माइल्ड टू एक्सट्रीमली पैरालाइजिंग. अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप जवाब दीजिएगा, क्या अभी आप 100% सुरक्षित हैं? आर यू 100% सेफ? यस और नो? जब मैं ऑडियंस जो हमारे सामने बैठे होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ आर यू 100% सेफ? हाँ, तो फिर लोग ओके ओके आई गॉट इट फाइन. तो लोग कहते हैं या आई एम सेफ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और गहराई से सोचिए, चिंतन करिए. तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट 100% सेफ. मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अगर ये सीलिंग गिर गया मेरे सर के ऊपर, और मेरा तो फिर थोड़ा अब्सॉर्प्शन पावर भी नहीं, तो क्या होगा? गए. अगर द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो व्यक्ति मेरे बाजू में बैठी है बैठा है, फ्रीक्स आउट और उसने मेरे गला दबा दिया, तो फिर तो हम मर जाएंगे.
और अगर अर्थक्वेक हो जाए, सुनामी आ जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, जैसे 26/11 को मुंबई में हुआ था, नो वी आर नॉट सेफ. नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक इट्स योर इमेजिन्ड फियर मोस्ट ऑफ द टाइम? यस. एंड नाउ इट कम्स टू मेनी शेड्स. वो मेरा थोड़ा सा हल्का, मान लीजिए गिरीश को थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गई थी, मैंने अभी कोविड टेस्ट कराया, रिजल्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, कल आने वाला है सुबह 8:30 बजे. अब आई एम गेटिंग ओवरवेल्म, क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा? हो सकता है किसी को, अरे देखा जाएगा, 14 दिन की छुट्टी, 14 दिन क्वारंटाइन, हम भगवान को याद करेंगे, मस्त अकेले रहेंगे, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. इट कुड बी माइल्ड. सो इट कम्स इन डिफरेंट शेड्स बेस्ड ऑन हाउ यू responded. Fear is not as automatic as you think. अरे डर लगता है भाई, क्यों लगता है? हमको क्या पता? ये हमको क्या पता is the greatest problem. मैं कैलिफोर्निया में आता हूँ, मेरे को थोड़ी सर्दी खांसी हो जाती है, मैं डॉक्टर के पास गया and the American doctor says, Girish, tell me, young man, what's your problem? I said, sir, body pain. He says, where is it paining? I said, I don't know. You find out. फिर डॉक्टर बोलेगा, get admitted. अरे इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ दर्द कर रहा है, कि पेट दर्द कर रहा है, कि सिर दर्द कर रहा है. एटलीस्ट बेसिक इनपुट दूंगा तो डॉक्टर विल बी एबल टू डायग्नोस. इट इज नॉट ऑटोमेटिक फ्रेंड्स. नंबर वन, अ पार्ट ऑफ द फियर इज इंस्टिंक्टिव. यू डोंट जनरेट इट, बट योर बॉडी फील्स इट, इट्स नेचुरल. इट कुड बी पेन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इंजेक्शन लेना है. अब वो जो प्रिकिंग पेन है, वो जो उसका जो दर्द है, दैट कुड गिव मी सम फियर. मे बी ऑपरेशन है या कोई टेस्ट कराना, इट कुड बी एनीथिंग विच यू नो द बॉडी एक्सपीरियंसेस पेन. इट कुड बी इंस्टिंक्टिव. अ पार्ट ऑफ इट इज लर्न्ड. हम सीखते हैं डर को. एंड अ पार्ट ऑफ इट इज टॉट. मम्मी ने, पापा ने, कल्चर ने, रिलीजन ने, सोसाइटी ने, ये नहीं करना बेटा, ये करने से ये नुकसान हो जाएगा, इससे फिर वो इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ऐसे रात को नहीं जाना, ऐसे लोगों से नहीं बात करना. आई मीन आई कैन फियर इट. द रियलिटी कुड बी डिफरेंट. एंड लर्न्ड, मैंने बचपन में सीख लिया. मम्मी ने सेरेलैक खिलाने के चक्कर में, मैं तो खाता ही नहीं था खाना, और मम्मी ने खाना खिलाने के चक्कर में शी केम अप विद एन आइडिया. मुझसे कहा, गिरीश तू खाना नहीं खाएगा ना? खाना खाएगा क्या? हम तो मुंह बंद करके बैठते थे. अरे खाएगा कि नहीं खाएगा? I was expecting the mother would understand my body language, because जब पापा को देखे थे तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया था, वहां तो आपका बड़ा अंडरस्टैंडिंग था, और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग फूड राइट नाउ. आई मीन यू ईट इफ यू वॉन्ट, बट प्लीज डोंट फील जबरदस्ती से. मम्मी ने कहा खाएगा कि नहीं खाएगा? आई मीन आई वॉज नॉट इवन ओपनिंग माई माउथ ऑल्सो, ओनली ट्राइंग टू टेल दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मम्मी ने कहा तू खाना नहीं खाएगा ना तो मैं बाथरूम में बंद कर दूंगी. अब गिरीश, छोटू गिरीश का 500 GB का हार्ड डिस्क, फ्री, कोई फाइल एंड फोल्डर नहीं है. मैंने कहा बाथरूम में क्या होता है? अब हमको क्या पता भैया बाथरूम में क्या होता है? मम्मी ने राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल एंड अ फोल्डर. बाथरूम में ना अंधेरा होगा. अंधेरा होगा तो क्या होगा? हमको क्या पता अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में झूंझू आएगा, फूफू आएगा, भू भू आएगा, मुंह मुंह आएगा, हूं हूं आएगा. मैंने बोला ये क्या होता है? ये सब चाइना के भूत है, नाम ही ऐसा, हूं हूं फूफू भू भू, इंडियन भूत नहीं. On a lighter way, na. I mean, don't take it personally. Sorry, I shouldn't say that. Just on a lighter way. So, मैंने कहा वो क्या होता है? अब मम्मी ने demonstrate करके दिखाया. Now, this is all she is teaching me. वो जो झुंझू फूफू होगा ना, इसके इतने बड़े बड़े दांत होंगे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, इतने बड़े बड़े नाखून होंगे, इतने लंबे लंबे बाल होंगे, ऐसे वो जीव निकाल के ऐसे आएगा. तो that was an interesting story. Got carried away by. मैंने कहा अब मुंह खुल गया, फिर क्या होगा? एक स्पून सरलैक अंदर, मम्मी फिर क्या होगा? वो ऐसे करके विद इन 2 मिनट्स 1 बाउल ऑफ सरलैक फिनिश. ब्यूटिफुल आइडिया. मैंने कहा मम्मी क्या होगा? मम्मी बोली वेट वेट, और आ रहा है, और आ रहा है, अनदर लिटिल सरलैक एंड अनदर बाउल, क्योंकि मौका अच्छा है, इसको फुल टंकी फुल कर दो, गले तक भर दो. अनदर बाउल. मम्मी क्या वो ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा. सेकंड बाउल फिनिश इन अनदर 5 मिनट्स. फिर मैंने बोला मम्मी फिर क्या होगा? पता मम्मी क्या बोलती है? अभी तू खेलने जा. हेलो, प्लीज फिनिश द स्टोरी. You created an imagined story for your convenience of filling my tummy with the 2 bowls of Cerelac, but you created a negative file, and the rest of the whole life, Girish will be in fear.
फॉर द अननोन. अब ये झुंझू फूफू को मैं क्रिएट करने का प्रयास करूंगा. मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पहुंचा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे ही टॉपिक निकल गया. बाजू वाले ने, मेरे फ्रेंड्स ने कहा हमारे घर पे भी ना बाथरूम में झुंझू आता है, उसके पांव उल्टे होते. अरे अब ये सब मैं ना क्रिएट कर रहा हूँ, उल्टे पांव वाले. और एक बात पता चला थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स, ये झुंझू फूफू का परमानेंट एड्रेस बाथरूम है, क्योंकि हर मम्मी सेम एग्जाम्पल यूज करते हैं. अलग अलग भी करते थे तो मेरे को पता चल जाता दे हैव डिफरेंट लोकेशंस. नो बट दे आर परमानेंटली इन बाथरूम. अब उसके बाद मैंने मूवी देख ली. नाइन्थ स्टैंडर्ड में मेरे डैडी डिफेंस में थे, हमारा कम्युनिटी हॉल होता था, उसमें पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, और पुराना शब्द माना भूत की स्टोरी. अब उसमें दीदी, वैशाली दीदी प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है, मैं जो कहने वाला हूँ इट इज नॉट माई क्रिएशन, इट इज ऑल द फिल्म डायरेक्टर्स क्रिएटेड. टू गुड. अब उस मूवी में वो डायरेक्टर ने मेरे को इमेज दे दिया. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया में भूत होते ही नहीं है, सिर्फ भूतनी होती है, क्योंकि मेल भूत तो दिखाया ही नहीं उन्होंने. आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम मरने के बाद भी भूत नहीं बनते हैं, ठीक है ना, पुरुष आत्मा. और वो 100% साउथ इंडियन भूतनी होगी, क्योंकि लंबे बाल, वाइट साड़ी, और ये जो भूत मैडम है इनको भी अंधेरे से डर लगता है, हाथ में कैंडल, और इनका अपॉइंटमेंट टाइम रात के 2 बजे, और बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो 100% भरतनाट्यम डांसर होंगी. छम छम आवाज आना चाहिए पायल का. दिस इज द फिल्म डायरेक्टर. अभी व्हाट डू आई डू? आई माई माइंड इज नाउ, मम्मी ने जो झुंझू फूफू बोला था उसको मैंने एक इमेज दे दिया. अब अंधेरे में मैं उसी को ढूंढ रहा हूं. अब मैं पहुंच गया 11th स्टैंडर्ड में या मच्योर गाय. और हमारा जो घर था उसके टॉयलेट जो होता था घर के अंदर नहीं होता था, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 feet, यू नो. शौचालय जो होता था घर के बाहर था, अंदर नहीं था, था पुराना कंस्ट्रक्शन. अब मैं रात के, नाउ आई एम 15-year-old चाइल्ड, आई हैव टू गो टू द टॉयलेट रात को 8 बजे. मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी तुम भी चलो, आई मीन आई कांट गो, यू नो वाई. अच्छा मैं दरवाजा खोल करके मैं अंधेरे में देख रहा हूँ, व्हाइट व्हाइट तो कहीं नहीं दिख रहा है, छम छम की आवाज तो नहीं आ रही है. Now my mind is, you know, focusing onto the imagination which has got into my system. Aur pata hai mummy kya kehti hai? Now this is height. This is where we are making mistakes. Mummy mujhe kehti hai, tum itna bada ho gaya hai, abhi bhi tu darta hai. Phir bhi main darta hoon, to phir mummy out of frustration kehti hai, pata nahi hamare ghar mein kaise darpok paida ho gaye. Hello? You created it. And you, I don't know whether she is insulting herself or she is insulting me. Darpok paida ho gaya. Arey, abhi aap hi ne to paida kiya mujhe. You created a story, but you did not finish the story. Aur fir main mummy roti bana rahi, mummy swami bhai ko kehte, arey ja na uske saath darpok. To bhaiya pata hai swami bhai ke bolte, kahan jaun? 2 nights, 3 days, Switzerland. But toilet pe main uske saath kyun jaun? और मैं, यू नो, आई कांट कंट्रोल. और मैं कहता हूँ प्लीज अंडरस्टैंड मी, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम. सो कैन यू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑल लर्न्ड, पार्टली टॉट एंड पार्टली इंस्टिंक्टिव. यू डोंट नीड टू बी इन डेंजर टू बी स्केर्ड. नाउ दिस इज द हाइट. बिना डेंजर के भी हम घबराते रहते. नाउ दिस इज वेयर इट इज पार्टली इमेजिन. नाउ दिस मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स. सिर्फ इमेजिन्ड फियर को ही हमारे साथ प्रॉब्लम है, बट रियल फियर को यू कैन हैंडल इट. और इमेजिन्ड फियर कहते हैं संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इमेजिन्ड फियर में नंबर वन है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स कैन थिंक, ह्यूमन बींग्स कैन क्रिएट, ह्यूमन बींग्स कैन लर्न अबाउट फियर. सो 100% आपने कहा था ना मेरे दर्द का कारण मैं, फियर का भी सिंपल अंडरस्टैंडिंग इट इज माई माइंड विच इज अ वीक माइंड विच डजंट अंडरस्टैंड द रियलिटी. द मोर स्केर्ड यू फील द स्केरियर थिंग्स विल सी. दिस इज द हाइट, दिस इज एड ऑन फ्री गिफ्ट. अब आई एम वॉचिंग एनिमल प्लैनेट, उसमें ना उसमें वो स्पाइडर्स, मेरे को करंट दौड़ रहा है, और HD कैमरा में उनके टेंटिकल्स, उनके हेयर वेयर सब दिखा रहे, और मतलब डर भी लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है. और मैं देख रहा हूँ आंखें खोल कर, अचानक मेरे यहाँ पर कुछ सेंसेशन आता है.
देखा तो ईयरफोन था but then I experienced fear. Why? Because already my mind is in a scary state because I'm watching spiders. तो थोड़ा सा कहीं टच हुआ, भले ही कपड़े के धागे होंगे, लेकिन अरसा लगा जैसे कि my God बच गई. The situation, my mind is hijacked by the environment. It is just not able to see and evaluate what is this here. जरूरी थोड़ी ना है कि वहां spider ही हो. Fear dictates the actions you take. या तो भागो, जिसको हम कहते हैं flight, या तो fight, सामना करो, या freeze. कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहां पर हूं, क्या हूं, क्या नहीं हूं. And last one is fright, डर जाओ. Fight and freeze could be the same. Now this is the most important thing, friends. The more real the threat. रियल थ्रेट, नॉट इमेजिन वन, नॉट माई क्रिएटेड कॉन्कॉटेड वन. मैंने कुछ भी काल्पनिक नहीं, जो रियल थ्रेट को व्यक्ति जब सामना करता है, द मोर हीरोइक योर एक्शंस आर. एनी थ्रेट इज इमिनेंट, एनी थ्रेट इज आइडेंटिफाइबल, है, कुछ नहीं कर सकते अब, वो वैसा ही, वो सत्य है. आई बिकम, मैं जो एक्शंस लूंगा उससे मैं हीरोइक बन जाता हूं, आत्मबल, मनोबल, शक्ति से. I mean, look at this person. He doesn't have hands, but then he participates in Olympics. अब नहीं, अब डरूंगा थोड़ी ना, हाथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ऐसे कितने सारे examples हैं. Generally, people who are in the armed forces, they know, say, एक गोली and I'm out. Major Unnikrishnan, 2611 Mumbai Taj Mahal attack, Bombay. He was a black commando of the Indian, you know, army, NSG commando. उसने अपने buddy को, अपने दोस्त को कहा, तू रुक, मैं जाता हूँ. They had no idea कहाँ से भी गोली आएगा. And he died. लेकिन उसने कभी सोचा नहीं मेरे old माता पिता है, मेरी मृत्यु के बाद उनका क्या होगा. But he fought with valor and he was awarded the Paramvir Chakra. Hero. क्योंकि threat है, अब सामना करना मेरी duty है. That is how you become more. So what is fear? Fear is false evidence appearing real. एक माउंटेनर जो होगा ना, वो क्लिफ में भी जाएगा घबराएगा नहीं, वो हीरो बन जाएगा, वहां से जंप लगाएगा, गोल्ड मेडल कमा लेगा. ही अंडरस्टैंड्स, ही प्रैक्टिसेस, ही यू नो पुट्स एफर्ट टू ओवरकम इट. एंड फियर इज एन एक्रोनिम. सच नहीं है फियर, लेकिन हमें सच लगता है मन में, और उसके कारण डर. सांप से डर क्यों लगता है पता है? क्योंकि सांप काटता है. प्लीज गो अहेड एंड चेक. पता ही नहीं है ना, only 2% of the snakes on planet earth is deadly and venomous. 98% काटेगा भी ना तो कुछ नहीं होगा. लेकिन 2% के कारण हमने पूरे सांप की प्रजाति को गलत सर्टिफिकेट दे दिया, और अच्छा चलो दे भी दिया तो कोई हर्जा नहीं, खुद घबराते रहते. उदाहरण दो, यू नीड टू गिव मी एन आंसर. मान लीजिए गिरीश भाई किसी का क्लास सुन रहा है, ठीक है, लेट अस अज्यूम. और मेरे को ना, मैं दो दिन से सोया नहीं, थोड़ा लेट हो गया, बहुत सेवाएं थी, जल्दी उठ गया, लेट अस अज्यूम आई एम लिटिल टायर्ड. और क्लास सुनते सुनते गिरीश भाई थोड़ा सा एक नैप ले लेता है, गहरी नींद, डेल्टा स्टेज. एंड आई एम स्लीपिंग डीप स्लीप, आई एम डीप स्लीप, यू डोंट रियलाइज एनीथिंग, यू आर फ्री फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी ऑल्सो. लड़का हूँ, गिरीश हूँ, मुंबई में हूँ, चेयर में हूँ, कुछ याद नहीं रहता. इट्स अ मेडिटेटिव स्टेट एक्चुअली, बट अनकॉन्शियस मेडिटेटिव स्टोन. और गिरीश भाई सो रहा है और हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो इस संसार का सबसे डेंजरस, सबसे पॉइजनस, सबसे वेनमस, सबसे जहरीला सांप, ऐसा कहते हैं, द ब्लैक मंबा. कई लोग कहते हैं किंग कोबरा भी है, बट लेट अस अज्यूम इट इज ब्लैक मंबा. साउथ अफ्रीका में पाया जाता है. अब ये ब्लैक मंबा को पता चल गया कि गिरीश भाई कैलिफोर्निया के लोगों के साथ सांप की प्रजातियों से नहीं डरने की बात कर रहे हैं. एंड उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बदनाम क्यों करते हैं लोग. भाई कुछ लोग ही बहुत, कुछ सांप ही बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन पूरे सांप की प्रजाति को ही लोग बदनाम कर रहे हैं. तो उसको इच्छा होती है कि वो गिरीश से मिले. वो साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस पकड़ता है इमीडिएटली, नेक्स्ट फ्लाइट, और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करता है. ऊबर टैक्सी पकड़ता है, गिरीश के बिल्डिंग में नीचे उतरता है. वो स्टेयरकेस और लिफ्ट से नहीं आता क्योंकि वो सांप है, वो ऐसे ही खिड़की से चढ़ जाता है. और लेकिन गिरीश क्या कर रहा है, बहुत गहरी नींद में सोया. अब ये सांप महाराज मेरे ऊपर चढ़ जाते. हेलो, हाय गिरीश भाई, ओम शांति, हाउ आर यू डूइंग, गुड मॉर्निंग, आई लव टू मीट यू, यू आर ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग द स्नेक्स प्रजाति आउट ऑफ डिफॉर्मेशन, वाह वाह वाह. लेकिन गिरीश भाई, मे बी आई एम स्नोरिंग अवे टू ग्लोरी ऑल्सो. कैन आई आस्क यू क्वेश्चन,
will this snake bite Girish? No, when he wakes up then. Nahin, when he wakes up bhi nahin. It is not dependent on Girish ka sleeping or wake. Saap by default, ye prakriti hai, wo waisa hai, gravity jaisa hai, mrityu jaisa hai. भगवान ने परमात्मा ने जिसने भी सृष्टि को बनाया नेचर ने हर जीव जंतु को तीन चीज के लिए उसको एक विशेषता दी एक काबिलियत दी नंबर वन खुद को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा उसको सर्वाइव करने के लिए अब वो मेंढक को खाएगा जो भी है सो दैट यू नो इट कैन सर्वाइव थर्ड फॉर प्रोक्रिएशन आगे के लिए इसके अलावा वो यूज नहीं करेगा हमने तो सांपों को ऐसे मान लिया है कि उनको मजा आता है हमको काटने में ऐसा नहीं हो सकता है कि सांप अपने कम्युनिटी में जाकर कहे आज मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तीन को काटना था दो कट चुके हैं अभी थर्ड बचा हुआ है अभी ये मिल गया है मुझे क्योंकि ये माताजी अंधेरे में चल रही है अब मैं इसको जाके काट लेता हूं नो इस संसार का विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड डोंट टेक इट पर्सनल इस संसार का सबसे नीच सबसे डिग्रेडेड प्राणी पता है कौन है इंसान मनुष्य मजे के लिए काट मजे के लिए इंसल्ट कर रहा है खुशी के लिए किसी को दबा रहा है खुशी के लिए कुछ भी बोल रहा है नो अदर एनिमल विल यूज देयर गिफ्ट फॉर मजा जब तक स्टार कंडीशंस अप्लाई जब तक सांप को डर नहीं लगेगा अंटिल एंड अनलेस प्रोवोक्ड अंटिल एंड अनलेस थ्रेटेंड स्नेक विल नॉट बाइट और हमको डर लगता है क्यों क्योंकि सांप काटता है आपको नहीं लगता है ये गलत अंडरस्टैंडिंग है गलत इंफॉर्मेशन है अबाउट स्नेक्स एंड इट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू मी इट इज ऑल द फॉल्स एविडेंस अच्छा स्टैटिस्टिक्स मैं एक ऑडियंस के साथ बात कर रहा था 100 पीपल मैंने कहा आउट ऑफ 100 पीपल प्लीज रेज दोज पीपल एवरेज एज 50 इयर्स प्लीज आई सेड रेज योर हैंड जो लोग मिनिमम लास्ट 50 साल में एक बार सांप से कटे हो एंड एक या दो उठा देते हैं हाथ मैथमेटिकली 98% पीपल हैव नॉट बीन बिटन एटलीस्ट वंस बाय अ स्नेक सो मैथमेटिकली मेजॉरिटी साइंस कहता है स्नेक्स डोंट बाइट और फिर भी हमको डर लगता है अच्छा जो ओम शांति बीच में मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरे मन में कि इसका मतलब फिर हमें बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा उसमें काटने वाला भी हो सकता है ना मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सिस्टर आपको डरना नहीं है यू नीड टू लर्न यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ स्नेक्स Go across and learn what are those 2% of snakes? How do I identify? And suppose by accident, aapke ghar mein wo snake aa jata, very easily you will identify. Isme ye wala yellow scale hai, matlab it is very venomous. I should not go ahead. I should call the police or the snake catcher. Let them handle it. Agar wo non-venomous hai, aur aapko pata hi nahi hai, bina uske bhi aap ghabra rahe ho. Mere ko problem snake se nahi hai. Mere ko problem ghabrahat se hai, dar se. So you learn it. It's as simple as that. But non-venomous or venomous तो हमें पता नहीं ना चलेगा। दीदी आपको सीखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जाओ इंटरनेट में, मिलो उन लोगों को जो snakes के experts हैं। Learn it, but not fear. Because the parent, father है fear का ignorance. Fear is a liar. It's not the truth. Imagined fear है वो. And this is the logic. Fears are stories we tell ourselves. Yahan pe na bahut gadbad hai. Every human being is a wonderful script writer. Or unfortunately, we write horror stories most of the time. We write negative stories. So, sister, jinhone mujhse prashna pucha tha na, isko kholo. Teesra netra dikh raha hai na? Ye thoda negative picture lag raha hai. अंदर में जितना आज तक का मेंटल मॉडल्स है ना और ब्रह्मा कुमारी गिरीश भाई के अंदर का मृत्यु का डर लोग क्या कहेंगे का डर फ्यूचर में क्या होगा का डर धीरे 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 निकालता है और कैसे निकालता है डर को काटता नहीं है भगवान हमको लाइट अंदर लाइट प्रकाश द मोर आई एम क्लियर द मोर आई नो द रियलिटी अबाउट डेथ
the more I know the reality about people that they are beyond my control, then why fear? So the problem is to overcome fear. And the definition of fear is a dark room where negatives develop. Sirf negative. कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. पॉजिटिव भी तो क्रिएट कर सकते हो. वो डार्क रूम, हमको पता ही नहीं है स्नेक्स के बारे में, हमको पता ही नहीं. लिजार्ड से क्यों डर लगता है? क्योंकि वो गिरता है, वो पॉइजनस भी होता है. लिजार्ड नहीं गिर सकता है. अगर उसको गिरना ही होता था ना, तो उसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. नेचर परफेक्ट है, हमने उसको बर्बाद कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. उसके पास ग्रेविटी के अगेंस्ट सस्टेन करने की काबिलियत है. लेकिन गिरीश भाई हमारे ऊपर गिरा है. वो गिरा नहीं है, वो कूदा है. बहुत अंतर है. उसने अपना ब्रेकफास्ट कोई कीड़े मकोड़े देख लिए. द इजिएस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे इज टू जंप एंड अटैक इट्स प्रे टू हैव ब्रेकफास्ट. वो जब कूद रहा था, आप गलती से आ गए थे और हमने क्या कर दिया, उसको कंप्लेन कर दिया. वो गिरता है जैसे कि उसको अपने पे कंट्रोल ही नहीं है. मनुष्य फिसल के गिरता है. लिजर्ड्स कैन नॉट फॉल. This is the ultimate statement. The only thing we have to fear is... But Deshbhai, I again think that to some amount of that little fear in our blood, you can say it acts as an initiator to open the gateways of knowledge, you think? Sometimes we will think about it, what we will do now, but the initiator, which we can say as a catalyst in chemistry, and then like that, it will act as an initiator to think about it rightly, don't you think? But I don't. You should not use fear as a catalyst. You should use inspiration. You should use motivation as a catalyst. And if I need to tell you about Brahma Kumaris, God, Shiv Baba, last 85-86 years, usne mujhe kabhi nahi daraya. Usne sada pyar kiya. Pyar ki taakat dwara aap safalta ko praapt karo. Pyar ki shakti se Bhagwan ek nayi srishti ki sthapna kar raha hai. Dara ke nahi kar raha hai. Log Bhagwan se darte. Aur yahan pe to hum Bhagwan se sirf pyar karte. Darne ki zarurat hi nahi hai. Darna hai. और जो रियल जो डर है, बाकी अपने पुरुषार्थ से, अपने एफर्ट से, अपने एक्शंस में यू नीड टू बी वेरी क्लियर. यू शुड बी फ्री फ्रॉम फियर. द मोर यू आर फ्री फ्रॉम फियर, द बेटर योर लाइफ की क्वालिटी विल बी. सो इफ यू आर यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, से फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे को डरा रहा हूं, तुम नहीं पढ़ोगे ना तो मैं तुमको मारूंगा, या फिर चाटा लगाऊंगा, या तुमको ये कर दूंगा. जिस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा ना, वो आपसे भी नहीं डरेगा. लेकिन can I replace this fear with, can I inspire my child? Can I motivate the child? Can I understand, make the child understand? Can I spend time? Can I understand what is it that is not making him concentrate on his studies and watching TV? Isko sab hum logo ne fear ke saath equate kar diya. Never. Kya aap apne bacche ko dara karke exam ke liye bhejoge? कभी कि अब डरेगा ना, कैटलिस्ट बनेगा ना, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. नो, हिज परफॉर्मेंस विल गो डाउन. सो इफ यू गो बाय द लॉजिक ऑफ फियर, व्हिच इज इंस्टिंक्टिव, व्हिच इज रियल, करेक्ट, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट इमेजिन्ड फियर. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द रियल फियर. रियल फियर में तो जीरो बनता है. यस यस, दैट इज द आंसर. So I have that is the answer. Spoken. The yeah, real already. Fear, because sometimes, supposing I am thinking that if I will not study, then this will be my fate, right? I will not be successful to that current. Yeah, that means the nutshell, the real fear, right? You say this thing. That real, is the real that fear must be differentiated. Yeah, so I right. told it very clearly. Real fear is इमिनेंट. एग्जाम लिखना ही पड़ेगा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे. वो तो फेस ही करना है, लेकिन डरना नहीं है उससे. यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. सो द ओनली थिंग वी हैव, या सो द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और कुछ नहीं. फियर डिफीट्स, हाँ जी सिस्टर, फियर डिफीट्स मोर पीपल देन एनी अदर वन थिंग इन द वर्ल्ड. मुझे जब हम बात कर रहे थे, आपने बोला ना कि सबसे खतरनाक प्राणी तो अभी मनुष्य प्राणी ही है, तब मुझे ख्याल आया कि बिकॉज वी नो दैट, वी नो दैट दैट वी
harm people or जो भी इस दुनिया में है for our enjoyment, for food, or just for fashion, or just for fun. So maybe we have learned to distrust. And that's how we don't trust anything and anybody. And that creates fear. Absolutely, sister. Very correct. It's basically... The sister, let me finish. I'll take up all those questions, definitely. Just 2 minutes, okay? Next is, fear defeats more number of people than any other one thing. Darenge na, to cancer aur activate ho jata hai. Bimari aur bada roop le leti hai. Meri kabliyat kam ho jati hai. Because it is directly impacting the, you know, the software, the inner power. And this is the most important thing. Ignorance is the parent of fear. Ek story sunata hun. Ek kingdom mein, ek vyakti ne bahut bada crime kiya. तो राजा के पास लेकर गए, बहुत सारी बातें हुई एंड द राजा फाइनली मेड द स्टेटमेंट दैट यू शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, मृत्यु दंड. अब उसको, वो व्यक्ति को मृत्यु दंड के लिए लेकर आए गए, सब लोग खड़े थे. तो राजा ने डिक्लेयर किया कि देखो भाई, यहाँ पर ये फांसी का फंदा, यू नो द रोप वेर यू विल बी हैंग्ड टिल डेथ, ये है ऑप्शन नंबर वन. ऑप्शन नंबर टू आप अपने लेफ्ट में देखिए. तो उसने देखा तो वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा था, बहुत ही रस्टेड था, बहुत डरावना था, बहुत गलत उसमें यू नो पेंटिंग्स वगैरह थे, मतलब देख के व्यक्ति घबरा जाए. तो राजा ने कहा, या तो तुम, ऑप्शन है तुम्हारे पास, मृत्यु तो पानी है, या तो ये वाला ये फांसी के फंदे पे हम आपको लटकाएंगे, या फिर अगर तुम चाहो तो हम इस दरवाजे से आपको अंदर डाल देंगे. तो उसने बोला, राजा ने बोला, बोलो क्या चूज करोगे. तो उसने कहा, महाराज मैं फांसी पे लटक के मरना चाहूंगा. राजा ने कहा ठीक है. फांसी पे जब लटक रहा, लटकने के पहले उसने राजा को पूछा, राजा ठीक है मैं तो मरने वाला हूँ, बस एक क्वेश्चन है. राजा ने कहा बोलो. बोला उसके पीछे है क्या वो बता दो. सॉरी दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज फ्रॉम साइकोलॉजी. पीपल विल हैव मोर फियर ऑफ द अननोन देन द रियल फियर. और पता है राजा ने क्या कहा, उसने कहा कि उसके पीछे फ्रीडम था, दिख रहा था बहुत खतरनाक, लेकिन उसके पीछे, अब हम देख के ही हमको पता नहीं था कि पीछे क्या होने वाला, वी डोंट नो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. सो व्हाट यू नीड टू डू, द आंसर इज क्यूरियोसिटी, जानना मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या समय चल रहा है, प्रकृति कैसा है. द रियल विजडम will conquer fear even more than bravery will. Himmat rakhni, aisa nahi hai jaise wo mataji ne kaha tha koi bhi saamp ko pakad lo. No, you need to learn, you need to be curious ki kya hai reality and then go for it. Fears are educated into us and can, if we wish, be educated out. To hum jitne bade hain, mera ek namra nivedan hai, hamari nayi peedhi ko, naya generation ko, please mat darao. तू पढ़ेगा नहीं ना तो तेरी फ्यूचर बर्बाद हो जाए. सॉरी, तुम पढ़ोगे नहीं ना तो मार्क्स ठीक नहीं आएंगे बेटा. जिंदगी के साथ रिलेट नहीं करो. वी डोंट नो, एवरीबॉडी कैन नॉट बी एकेडमिकली ब्रिलियंट, समबडी कैन बिकम अ स्पोर्ट्स स्टार. सो वी अनफॉर्चुनेटली आर क्रिएटिंग दैट फियर इनटू अदर्स. सो द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू हैव नो फियर. The basis, जीवन का आधार ही नो फियर. हाँ, जो रियल है उसमें बॉडी रिस्पॉन्ड कर देगा सर्वाइवल के लिए, बट उसके बिना इमेजिन फियर मत करिए. नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड. डरना नहीं, समझना है, मृत्यु को समझना है, जीवन को समझना है, कल क्या होगा को समझना है, बीमारियों को समझना है. एक दो एग्जांपल्स लिए थे, सांपों को समझना, अगर आपको उसके साथ यू नो ओम शांति वगैरह करना है तो, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए. आई मीन व्हाई वेस्ट टाइम, नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड मोर कोविड. और मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने भी अनुभव किया था, कितना डिप्रेशन, कितना डाइवर्स, कितना डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे चीजों को. सो दैट वी मे फियर लेस. इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, you need not fear the result of 100. But main kaun, main atma shakti shali, very powerful. Aur mera dushman kaun, kaam krodh lobh moh ahankar, isko jaan liya,
इनके साथ का युद्ध गारंटीड है, मैं जरूर सफल होऊंगा. बट इफ यू नो योरसेल्फ एंड नॉट द एनिमी, फॉर एवरी विक्ट्री गेन्ड यू विल सफर अ डिफीट. सफलता तो पा लिया लेकिन उसके साथ बीमारी भी आएगा, थोड़ा टेंशन भी आएगा, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी आएगा, ईगो भी आ जाएगा, मैं जीत गया. बट इफ यू नो नीदर द एनिमी नॉर योरसेल्फ, मैंने खुद को भी नहीं जाना, अपने दुश्मनों को भी नहीं समझा, तो यू विल सक्कम्ब इन एवरी बैटल. जिंदगी ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, विच इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. तो स्वयं को जानना, वो हमारे दीदी जो हैं ब्रह्मा कुमारीज ने आपको अच्छी तरह सिखाएंगी. चलिए फ्रेंड्स, आई हैव गॉट 4 मोर मिनट्स टिल 8:30. मेडिटेशन करें और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स हम ले सकते हैं. सो लेट्स मेडिटेट. ओके, प्लीज डोंट यू नो क्लोज योर आईज. आप स्क्रीन में देखिए, मैंने बहुत अच्छा एक स्लाइड बनाया है. आई प्ले अ वेरी सॉफ्ट इंडियन म्यूजिक, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉर्निंग रागा, अधिर रागा, बहुत सुंदर है. आई होप यू विल अप्रिशिएट इट. If you want, I can send that music file also to you. Aap isko sun sakte hain. And just let me know whether the sound is okay or not. Is that okay, Didi? Yeah. So friends, sit back and relax. Halke ho karke baithe. मेडिटेशन का वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज डिटैचमेंट. हर बात को भूलें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेवारी, टू डू लिस्ट. टेल योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स, दिस इज माय मोमेंट. This is me time. And I am going to create positive, powerful thoughts. This is how I change myself. Main fearless hoon. I embrace my fears. Basically, it is ignorance. And I send in the vibrations of love and heal those negative thoughts, negative fearful emotions. Mehsoos kare. I am free from being scared of anything. सत्यता को मुझे स्वीकार करना है. एंड बिकॉज ऑफ माय पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज ऑफ इनर स्ट्रेंथ, आई एम नो लॉन्गर एज फियरफुल एज आई वॉज. आई एम एनलाइटेंड. आई डोंट क्रिएट नेगेटिव्स इन द डार्क रूम. I am releasing all my fears and doubts. Dear friends, take a deep breath in and slowly breathe out. And as I'm breathing out, I'm breathing out fear and doubt. I continue to build more confidence. मैं शक्तिशाली बन रहा हूं. I am fearless and I am brave. Because I am fearless and brave, I can handle anything that comes my way. मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है. कैसी भी बात हो, कैसी भी समस्या हो, भले ही अनुकूल ना भी हो,
but I have the strength to face it. I feel that it is easier to move forward without fear. क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि imagine fear ही problematic है. मेरा कमजोर मन ही imagine fear create करता है. I act courageously despite my fear. When I'm afraid, जब भी मुझे जीवन में किसी बात की घबराहट हो, चिंता हो, तो मेरा ध्यान मैं वहां से हटा करके I embrace my inner powers, my inner strength, and I transform that fear into power. जब भी कोई समस्या आए, घबराने के स्थान पर स्ट्रेंथ. आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ इंटू समवन हु इज नेचुरली फियरलेस इवन इन द फेस ऑफ फेलियर्स. महसूस करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा. I am a powerful energy. My setbacks in my life has made me stronger. I have become more matured, more experienced, more profound, more humble, more simple, more understanding. And I look forward to accept challenges with enthusiasm and confidence. Kuch bhi mere jeevan mein samasya aaye, it is okay. I have the confidence to face it. My faith in myself, my faith in the Almighty, my faith in my good intentions, my faith in my good actions, takes me above fear. मुझे किसी बात का कोई डर नहीं. मेरे अच्छे कर्म से मेरा अच्छा भाग्य बनने वाला है. मेरे अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति पर मेरा भरोसा बढ़ते जा रहा है. Every day I become stronger and braver. मेरी आत्मिक शक्ति बढ़ती जा रही है. I look to my future with hope and happiness, not with fear and insecurity. कल का दिन, आने वाला भविष्य मेरे लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए बहुत सुंदर, जहां कोई डर नहीं होगा, जहां कोई दुख नहीं होगा. ऐसी सुंदर दुनिया की रचना मुझे करनी है. एंड आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम्स विथ करेज. आई एम फियरलेस बिकॉज आई एम एन इनफाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ गॉड. गॉड इज एन ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस. I am like God, an embodiment of love. मैं स्नेह स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ. गहरी सांस लें. Take a deep breath in and slowly breathe out. Experience the silence. कितनी निश्चलता है.
कितनी निशब्दता है. आई एम इन अ सीक्रेट स्पेस ऑफ साइलेंस. I feel powerful. I feel relaxed. किसी बात का कोई दबाव नहीं, प्रभाव नहीं, झुकाव नहीं, मुक्त हूं. I am free. Even my thoughts don't disturb me. I am relishing the experience of absolute silence. Slowly feel the movements of your fingers, of your hands and legs. Feel the sensation of your breath. Bring your hands together, slowly rub. Create a little warmth in your hand and put it on your forehead, your eyes, your cheek, your face, your lips. Yes, fair and lovely laga liya. Theek hai? I am beautiful. God's beautiful child, free from fear. Thank you. Om Shanti. भाई आपको थैंक्स कहते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया जी. दीदी उमंग से, उत्साह से, बड़े प्यार से सबको समझाया आपने. बहुत बढ़िया बात कही. देयर इज नथिंग टू फियर. देयर इज नो फियर. जब हम बाबा के बच्चे हैं, जब हम बाबा के बच्चे हैं तो अपना भलाई होना है. सो थैंक यू सो सो मच. या इतना समय दिया. करेक्ट. थैंक यू. थैंक यू. कोई क्वेश्चन? यस. अभी वन मिनट. आप है ना वन बाय वन जिन्हें भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज आपका हैंड रेज करना, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन का जवाब भाई नहीं दे पाएंगे. हाँ तो कपी बेन यू गो हेड और मुझे हाथ ऊपर कर देना. कैमरा ऑन कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए. आई विल पुट यू नेक्स्ट. ओम शांति भाई जी. आपने जो आपका एक्सपीरियंस कहा अबाउट वो जो फॉल आप गिर गए थे, तो तभी आपने कैसे आपके माइंड को हैंडल किया? लाइक नेगेटिव थॉट्स कुछ आए, व्यर्थ संकल्प, आपने क्या किया वो वक्त? ग्रेविटी तो याद नहीं आती, आई होगी वो वक्त, तो क्या किया आपने? कपी सिस्टर, वो एक स्टोरी था, इट डिडंट हैपन टू मी रियली. ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ. आई हैव अ लिटिल बैक इशू एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. And somehow, you know, for some reasons, ऊपर नीचे होता रहता है. तो बहुत सिंपल टेक्निक है. जितना मैं अशरीरी स्थिति का अभ्यास करूंगा, जितना मैं आत्म अभिमानी स्थिति का एक्सपीरियंस करूंगा, द मोर आई मेडिटेट ऑन टू द पावर्स ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिव, मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी मान लो जो गिरीश भाई की आत्मा यहाँ से निकल जाती है, लेट अस सी, ठीक है, लेट अस सी, एंड द सोल इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो क्या ये आत्मा को पीठ दर्द अनुभव होगा शरीर छोड़ने के बाद? अब चैलेंज ये है कि यहाँ रहते हुए इससे अलग हो जाइए. जितना बार बार मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, आत्मा को उतना सुख की अनुभूति होगा, तो इसके कारण चिंता नहीं होगी, इसके कारण परेशानी नहीं होगी. इसके एंड वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस. यू मीट अ डॉक्टर, टेक द राइट डाइट, राइट मेडिसिन, रेस्ट, एक्सरसाइजेस, ट्रीटमेंट, वो सब भी चलता रहे, लेकिन घबराना नहीं है. उसके लिए हमें हमारा डिपेंडेंसी ऑन द रियलिटी, आत्मा सत्य है,
उस पर जितना मैं फोकस करूंगा और उसकी जितनी एक्सपीरियंस करूंगा, तो इसके जो चिंता है, डर है, सारा चिंता डर इसके कारण ही है, बॉडी कॉन्शियसनेस. तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू इमीडिएटली ऑल्सो एंड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेस. मान लो अभी मेरे को कुछ हो गया, अचानक बहुत पेन हो रहा है, जब तक डॉक्टर को मिलूंगा, ट्रीटमेंट देंगे, दवाई खाऊंगा, इंजेक्शन खाऊंगा, तब तक तो हम करना ही है. लेकिन इमीडिएटली ऑल्सो आई शुड बी एबल टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, स्विच ऑन सोल कॉन्शियसनेस, स्विच ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, एंड इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. रंजन बेन. शांति, मुझे ये पूछना था कि मुझे कोई जोर से कोई मुझे बोलता है और मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि क्योंकि मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी उसने मुझे इतना जोर से बोला कि डर लग जाता है, उसका कारण क्या है? रंजन बहन, आप थोड़े सेंसिटिव नेचर के हो, इस बात में सेंसिटिव हो. आपने शायद बचपन में ऐसा कुछ घटना हुआ होगा या सम इंसिडेंट कि किसी ने जोर से बोल दिया और बोलने के बाद आप बहुत घबरा गए. तो ये जो डर है किसी भी बात का, आई मीन आई गॉट वन क्वेश्चन, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द लास्ट एक्सपीरियंस, प्लीज समझिए ये जो डर है, हमारा दो माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड. और अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में डर चला गया तो उसको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. और सही वातावरण में, राइट एनवायरनमेंट में, ये सबकॉन्शियस माइंड का फाइल खुल जाएगा एंड यू विल एक्सपीरियंस फियर या गुस्सा या एनीथिंग. तो व्हाट वी से इज द सबकॉन्शियस माइंड इज एनी टाइम मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम I live an unconscious life. सब आदतीवश जी रहे, consciously तो जी नहीं रहे. Meditation is about awareness, is about be consciously aware of what's happening within, what's happening in the surrounding. And consciously आप अपना subconscious mind का programming कर सकते हैं. इसमें बार 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 बार, I'll give you an example. मैं अमेरिका का example लेता हूँ. In the western countries, छोटे छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल में गिर के डूबने से मृत्यु ज्यादा होता है, क्योंकि माता, बड़े बड़े इनके बंगलों होते हैं और स्विमिंग पूल होता है हर घर में, और माता पिता ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बच्चा क्रॉल करके स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है. तो वहां के लोग क्या करते हैं, यू नो बेटर, वहां के लोग बच्चे को ही ट्रेनिंग दे देते हैं, 2 साल के बच्चे. अब मम्मी पापा ये 2 साल के बच्चे को अगर स्विमिंग पूल में लेकर जाए विद द ट्रेनर, और बच्चे को अगर पानी में छोड़ देते हैं, द बेबी विल ड्राउन इन द वॉटर. बट इट वॉज ऑब्जर्व द बेबी इन द स्विमिंग पूल द वॉटर, द बेबी कैन होल्ड द ब्रेथ एंड कैन कीप द आईज ओपन. नाउ दिस इज कॉल्ड एज, साइंटिफिकली इट इज टर्म्ड एज ब्राडिकार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड, एन इन्फेंट बेबी. क्यों? क्योंकि ये छोटू बेबी माँ के गर्भ में भी वैसा ही सिचुएशन में था. Till some time, वो जो natural, ये जो surroundings की जो आदत है, वो बच्चा by default hold कर सकता है breath को. और फिर अगर trainer उसको सिखाएगा to float on water, not even swimming. अगर गलती से बच्चा गिर जाता है तो फिर वो float होकर बचा सकते हैं उस बच्चे को. अब यही scenario को आप Indian context में ले लीजिए. मान लो गिरीश छोटा बच्चा मम्मी पापा के साथ पिकनिक में जाता है समुद्र के किनारे, या फिर एक रिसोर्ट में जहाँ स्विमिंग पूल है या नदी है, तो पता है मम्मी पापा फ्रेंड्स मेरे को चिल्ला के बोलेंगे, गिरीश नजदीक नहीं जाना, तुम डूब जाएगा. हाँ, कैसे डूब जाएंगे? तुम डूब जाएगा, तुम डूब जाओगे 15 साल तक. अब मैं जब 16 इयर्स का हो गया, 11th स्टैंडर्ड में हो गया, मम्मी पापा मुझसे परेशान होकर कहा तू समर वेकेशन में भी जा स्विमिंग सीख. मैंने कहा ठीक है. अब मैं स्विमिंग पूल के सामने खड़ा हूँ विद दैट यू नो लाइफ सेविंग वो जो राफ्ट वगैरह है, और इंस्ट्रक्टर मुझे कहता है यंग बॉय गिरीश नाउ जंप इनटू द वाटर. मैंने कहा सर लेकिन डर लग रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, सांस फूल रहा है, कहीं डूब ना जाऊं. तो मेरा जो ट्रेनर है वो कहता है मास्टर गिरीश
तुम अगर स्विमिंग पूल का जो मैक्सिमम डेप्थ वाला एरिया में खड़े भी हो जाओगे ना तो भी नहीं डूबोगे, क्योंकि द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 4 feet एंड यू आर 5 feet 6 inches, तुम्हारा गले तक भी पानी नहीं आएगा. नहीं 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 सर, तो भी डर लगा. नाउ व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज आई विल नॉट ड्राउन, बट लेकिन यहाँ पे मेरे को सब एक्सपीरियंस हो रहा है. नाउ 15 साल तक तुम डूब जाओगे. नाउ दिस हैज गॉट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. और जहां मैंने समुद्र को देखा, रंजन बहन घबराहट हो जाएगी. जहां किसी ने जोर से बोला, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड. एग्जाम्पल नंबर टू, अ फैमिली इन अमेरिका, 15-floored बिग मॉल बिल्डिंग, वो जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स है, बहुत भीड़ है, मम्मी पापा दो बच्चे, द लिटिल गर्ल चाइल्ड, वो किसी कारणवश फैमिली लिफ्ट से बाहर आ गई, वो बच्ची वहां रह गई, लोग चढ़ गए, एंड इट गोज टू द अदर फ्लोर, एंड द बेबी इज सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट्स हाउलिंग, शी स्टार्ट, वहां के जो लोग उसको सांत्वना देते, नहीं नहीं मम्मी को मिला देंगे, द फैमिली आउटसाइड इन सम अदर फ्लोर, वो दे इन्फॉर्म द पुलिस, द सिक्योरिटी गार्ड, एंड लेट अस अज्यूम आफ्टर 10 मिनट्स वो बच्ची मिल जाती है मम्मी पापा से. लेकिन बच्ची के मन में एक डर पैदा हो गया, लिफ्ट्स आर डेंजरस. और एक हफ्ते के बाद मम्मी बच्चे को पूछती है, बेटा अभी तुम चलोगे हमारे साथ घूमने के लिए? तो पता बच्ची क्या बोलती है, वहां लिफ्ट तो नहीं होगा ना मम्मी. नाउ टेल मी फ्रेंड्स, लिफ्ट डेंजरस है, बट माई एक्सपीरियंस ऑफ द लिफ्ट, इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, बहुत सारे फोबियाज हैं, फोबियाज आर इमेजिन्ड, नॉट रियल फियर. फियर और फोबिया का भी आप अंतर ढूंढेंगे ना, फोबिया पानी का डर, अरे क्यों जरूरी है क्या पानी से डरना है? कोई इतना अच्छा पूरा ब्रिटिश चैनल स्विम कर लेता और आपको क्यों डर है? इट इज योर क्रिएशन. तो रंजन बहन, आप मेडिटेशन में खुद को शक्तिशाली, कॉन्शियसली, मैं कौन हूं, मैं शक्तिशाली एनर्जी हूं, कोई भी अगर मुझे इमेजिन, मतलब विजुअलाइज करिए, देखिए कि कोई व्यक्ति आपको जोर से डांट रहा है, आपकी दिल की धड़कन शांत है, आप अपने कंट्रोल में, आपने रेनकोट पहना है, बारिश हो रहा है लेकिन अंदर आप सुरक्षित हो, यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज शाउटिंग, यू डिटैच योरसेल्फ. द मोर यू कैन प्रैक्टिस, जिसको हम मेंटल इमेजरी कहते हैं, रियल सिचुएशन में भी कोई भले आपका दोष ना हो, आपकी गलती ना हो, तो भी वो चिल्ला रहे, पता है मेरा गलती नहीं है, फिर भी कोई मुझे दोष दे रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, बिकॉज आई एम सेंसिटिव, आई वॉन्ट टू प्रूव मेरी गलती नहीं है, तो भी आप क्यों चिल्ला रहे? उनका मर्जी है, छोड़ दो, वी कैन नॉट चेंज देम, डोंट ट्राई टू यू नो रेक्टिफाई देम, लेट मी चेंज माई सेल्फ फर्स्ट. द मोर आई कैन डिटैच, द मोर आई कैन कॉन्शियसली बी अवेयर. आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, यू आर हैविंग योर कॉफी और योर चाय, porcelain glass, 3 minutes to drink a hot coffee mug, 3 minutes is equal to 180 seconds. Feel the warmth of that, the hot coffee. Feel the texture of the coffee mug. Take the first sip. Feel the coffee powder. Feel the milk. Feel the sugar. Feel the sensation it is going through. Feel the emotional, you know, sensation you're experiencing. Wow, kitna meetha, kitna achha, kitna hot coffee. 3 minutes. Main aur meri tanhai. Main bata Amitabh Bachchan ne kaha tha, sorry. Main aur mera coffee. Problem kya hai pata hai? Coffee bhi pee rahe hain, WhatsApp bhi dekh rahe hain, didi ka bhi sun rahe hain, Murli bhi sun rahe hain, garmi bhi lag raha hai, thandi bhi lag raha hai. Ye distracted hai. और इसमें हम डर भी रहे हैं, अगर टीवी में आ गया वैक्सीन का कुछ नेगेटिव रिस्पांस आ गया, ओ माय गॉड वैक्सीन खराब हो गया, कॉफी का मजा भी गया, मुरली भी गई, नोटिफिकेशन. नाउ विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी कभी और भी क्लास ले सकते, वी लीड अ डिस्ट्रैक्टेड लिविंग, वी डोंट लिव अ कॉन्सेंट्रेट, कॉन्शियस ही नहीं है. कैन आई बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ गिरीश, हिज फिजिकल इमोशनल मेंटल सेंसेशन विद कॉफी? पीरियड. 3 मिनट के बाद नोटिफिकेशन देखूंगा, 3 मिनट के बाद टीवी, हर चीज, कपड़ा धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये भी चालू है, यहां वहां डर चिंता. सो द मोर कॉन्शियस आई एम, मैं कौन हूं, शक्तिशाली हूं, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम एंजॉइंग दिस कॉफी, आई एम अ वंडरफुल इंडिविजुअल, आई हैव ब्यूटिफुल नेटवर्किंग स्किल्स, बहुत सब, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, वैक्सीन नहीं आया, आ जाएगा, हर जगह शक्ति 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 शक्ति, आई कैन स्विम, आई एम अ ग्रेट स्विमर. इट इज ऑल द सबकॉन्शियस माइंड. थैंक यू रंजन बहन. लास्ट थॉट,
ओनली वन लास्ट क्वेश्चन. हम गिरीश भाई को वापस जरूर बुलाएंगे क्योंकि उनके पास खजाना है और इस खजाने का हमें भी बहुत लाभ मिलना चाहिए. राइट गिरीश भाई, आप वो सब रतन हो जो खजाने लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे रतन. थैंक यू गिरीश भाई. मीराबेन लास्ट क्वेश्चन एंड हम लोग फिर क्योंकि उनका हम लोगों ने ज्यादा समय लिया है, जो मांगा है उससे ज्यादा लिया है, तो जरूर अगली बार वापस बुलाएंगे और तब हम उनके समय के रिस्पेक्ट के साथ चलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. मीराबेन लास्ट क्वेश्चन. हाँ, मेरा क्वेश्चन ज्यादातर तो भाई ने जवाब दे ही दिया. क्वेश्चन ये था कि सबकॉन्शियस माइंड से फियर कैसे दूर करें. अगर जैसे एग्जांपल यही सिमिलर है कि छोटे बच्चे को डराते हैं, घर में चार लोग रहते हैं तो एक जन का नाम दे के बोलते कि ये कर ले नहीं तो वो डांटेगा, ये कर ले नहीं तो वो डांटेगा. अभी वो डांटने वाला डांटता है नहीं लेकिन फिर भी बच्चे के मन में वो हो जाएगा. तो ये सबकॉन्शियस वाला ज्यादातर आपने बता ही दिया. yeah. So, Neera sister, I think so, क्या होता है गिरीश भाई, like, you know, in the same context, कि कभी कभी अगर किसी का अनुभव है और हमने बार बार सुना होता है और फिर हम उस इंसान को उसी फोकस से प्रोजेक्ट करते हैं, then kind of it becomes your own fear, isn't it? Perception, yes. तो वो फियर तो दिख रहा है ना हर समय, ये इमेजिनरी नहीं है लेकिन वह है हर वक्त, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना. देखिए, आई मीन इसमें दो तीन बातें हमको समझना है. नंबर वन, मैंने बोला बच्चे को तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं पुलिस अंकल को बता दूंगी. अब पुलिस रियल में थ्रेटनिंग नहीं है लेकिन बच्चे के मन में पुलिस इज इक्वल टू फियर करके प्रोजेक्ट कर दिया है. दैट इज वन. ठीक है, मम्मी ने अपने फायदे के लिए या सुनाने के लिए या पढ़ाने के लिए. नाउ दैट इज अ वेरी रॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग, फर्स्ट फ्लॉ. इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड बेटर, यू आर क्रिएटिंग हिज साइकी गेट फियरफुल फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स व्हिच इज नॉट द ट्रू थिंग. So that is not how a parent should handle a child. I mean, we can sometime later speak on what art of parenting and how God does the art of parenting. Wo ek alag class le sakte, number one. Number two, now having created it, how do we help the child come out of it? Iske liye simple technique ye hai. You have to reinforce the positive in the real bar bar. Say for example, 10 years तक मैंने बोल दिया है कि ये अंकल से बात डरा दूंगे, ये अंकल डरावने, ये डांट देंगे. Very powerfully, we will have to reprogram the subconscious mind. और reprogramming का बहुत simple आधार है. Consciously, the reality को मन में चिंतन करना, automatic. जितना consciously सोच रहे हैं ना, वो सब subconscious mind में जाता जाएगा. जितना मैं बार बार सोचता जाऊंगा ये अंकल डेंजरस है, पुलिस डेंजरस है, स्विमिंग पूल में डूब जाऊंगा, उतना वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है. नाउ इफ आई कैन रिप्लेस इट दैट स्विमिंग, आई एम अ गुड स्विमर, आई एंजॉय स्विमिंग, आई लव बीइंग इन द वॉटर, माई एंटायर बॉडीज मसल्स गेट यू नो रिफ्रेश. द मोर द रीइन्फोर्समेंट एंड इट हैज टू बी डन विद दैट एक्सपीरियंस. भले मैं अभी स्विमिंग पूल में नहीं भी हूं बट अगर क्रिएट कर सकता, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीअफर्मेशन. यू विल हैव टू आस्क द चाइल्ड टू डू इट और एट द सेम टाइम योर एंटायर हाउस का एनवायरनमेंट विल हैव टू डू द पॉजिटिव बाय सेइंग दैट अंकल इज नाइस, अंकल इज स्वीट, दिस पर्सनालिटी इज लविंग, और द पर्सन शुड ऑल्सो बिहेव दैट वे. देन वो बच्चे का उस व्यक्ति के साथ का जो गलत इंप्रेशन है वो हमको सुधारना पड़ेगा. I think the best way to do is as parents, agar wo chota hai to hame usko reinforce karna padega aur agar koi bade hain to wo khud consciously reinforce karna chahiye bimari ko leke, dar ko lekar, kisi bhi negative baat ko lekar, bhavishya ko lekar, covid ko lekar, ke I'll have to reinforce myself. No, I am healthy, I am strong, my life is beautiful. The more I do this, you know, the body understands it. इसको हम mental imagery कहते हैं. I'll give you one example, last example. Michael Phelps, US, 22 gold medal. Only athlete in the world to have 4 Olympics, maximum gold medals.
he practices mental imagery. In 2008 Beijing Olympics, 200 meters butterfly, he jumped into the swimming pool, his goggles leaked. वो goggles पहनते हैं ना, वो leak हो गया. Leak होने से आंखों में पानी भर गया. It is like you are blindfolded. You cannot see anything. You can't sense how your competitor का speed कितना है, कितना बचा हुआ है. But Michael Phelps ने mental imagery 10,000 बार कमरे में बैठकर imagine किया. मैं dive कर रहा हूँ, मेरे goggles leak हो रहे हैं. अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे प्रयास करूंगा, मेरा मूवमेंट ऐसा होगा, ये होगा, और मैं फर्स्ट प्राइज ले रहा हूँ, मेरे को गोल्ड मेडल मिल रहा है. यू वोंट बिलीव इट हैपेंड इन रियलिटी एंड ही यू नो बैग द गोल्ड मेडल विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड आईज ब्लाइंडेड. नाउ दैट इज द पावर ऑफ मेंटल इमेजरी. सत्ययुग आएगा, सुंदर दुनिया आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं देवी देवता हूं, शक्तिशाली हूं, स्विमिंग मुझको अच्छे से हो रहा है, ये अंकल अच्छे हैं, कोई जोर से चिल्ला रहा है, मैं शांत हूं, सांप है, मैं घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को सुरक्षित डिस्टेंस में रखूंगा. एवरीथिंग इज हियर. द मोर आई कीप डूइंग ऑल द पॉजिटिव अफर्मेशन इज इक्वल टू मेडिटेशन. मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं भगवान की सहयोगी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ज्ञान सूर्य. फील करना है, मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ. अरे यार, ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, मैं रिच कहाँ से. आप बोल रहे हैं लेकिन फील कर रहे हैं कि आई एम पुअर, देन दैट डजंट वर्क. मेरे को सांप से डर नहीं है, वैसे तो नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन छिपकली कहाँ पर है, कहीं है तो नहीं. आई एम फीलिंग फियर और बोल रहा हूँ, देन दैट बिकम्स मंत्र ओनली, इट विल नॉट अफेक्ट. ठीक है, सो आपको रीइन्फोर्स करना पड़ेगा एनवायरमेंट, मेंटल एनवायरमेंट एंड पीपल अराउंड. अंकल अच्छे हैं, अंकल या फिर जो भी है आपके घर के फैमिली मेंबर, he's nice, he's sweet, he's loving, it will work. Thank you. ओम शांति. देखो, मैंने आप लोगों की तरफ से कहा था गिरीश भाई को कि हमारा जो यहाँ का परिवार जो है ना, वो बहुत स्वीट फैमिली है. Absolutely. गिरीश भाई जी, उन्होंने प्रूव किया ना आपको. बहुत स्वीट है. Oh, wonderful. थैंक यू गिरीश भाई, आपने बहुत दिल खोल कर दिया है और आपका बहुत 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 शुक्रिया करते हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू बाबा. थैंक यू, थैंक यू, ऑल मैरी क्रिसमस, हैव फन. थैंक यू, विल सी यू वेरी सून. मैरी क्रिसमस. थैंक यू ब्रदर, इट्स अ ब्यूटीफुल बीच. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर. ओम शांति. Thank you, Girish bhai. Thank you. Safe, be healthy, be careful. Thank you so much. American logon se agar contact rakhna hai na, to WhatsApp use karna seekho. जरूर दीदी, ना हम हेल्पलेस हो जाते हैं. Oh no. मैं आपको एक alternative WhatsApp number भेजता हूँ. Okay, आपका great. नंबर मुझे ईमेल कर दीजिए. I'll give you an alternative. 100%. Thank you, भाई जी, for gravitation का explanation के लिए. I absolutely. Thank you, Girish bhai. It was really nice. Thank you, brother. It's a beautiful, amazing class. बैठे रहेंगे ना, और दो घंटे ये लोग बैठे रहेंगे. ओके, सो आई लीव. बाबा का थैंक यू, ब्राह्मण फैमिली का थैंक यू, हमारी दीदी का थैंक यू, आप सभी ब्यूटीफुल लवली सोल्स का थैंक यू. ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति.